Hello everyone, welcome to the Nimbus Learning powered by the Engineers Academy. Today we are here for the quick revision classes of the basic electronics for the SSCJ. यहाँ पर हम इसको पहले रिवाइज करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फटाफट इसमें जिसमें आपका सारा ही रिवीजन हो जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का. आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से एसएससी जेई में आ सकते हैं उसको हम वहां पर डन करेंगे. पहले हम रिविजन करेंगे स्टार्ट, रिविजन के बाद उसको हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पे जाएंगे. रिविजन में फटाफट स्टार्ट करेंगे. हमारे पास जो आपको बस यही याद रखना है कि एसएससी जेई के लिए जो हम कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, एसएससी जेई के लिए जो भी है हमारे पास सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. इसी वजह से आपके बाकी सब्जेक्ट भी चल रहे हैं तो आप उनको भी देखते चलिए. और एसएससी जेई में जो हमारे पास जितने भी आपके पांच सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल में, नेटवर्क है, सर्किट थ्योरी जो जिसको नेटवर्क और सर्किट थ्योरी एक ही सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और हमारे पास मशीन, ये सभी सब्जेक्ट की आपके पास क्विक रिविजन क्लासेस होगी यहां पर. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डन करना है वो है हमारे पास बेस ऑन द सेमीकंडक्टर्स. जो भी हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर, तो सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर है क्या. सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी जो होगा सेमीकंडक्टर का वो हमेशा मैटर से कंडक्टिविटी से कम होगा और हमेशा इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर के इक्वल उससे ज्यादा रहती है. अब इसी छोटे से बेस में क्वेश्चन आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. आप यकीन मानिए जो हमारे पास ये छोटा सा इक्वेशन जो मैंने आपको बनाया है जो कि सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन से है. सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या है कि ये ऐसा मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम और इंसुलेटर से ज्यादा रहेगी. ओके, सो हमारे पास हमेशा याद रखिए एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दिस इज अवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जहां तो आपको जीरो केल्विन लिखा जाएगा पेपर में, जहां तो आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा जाएगा. जितने भी तरह के सेमीकंडक्टर है जो भी है ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिसमें आपको क्वेश्चन में कुछ भी लिखा जा सकता है जैसे मे बी वो पूछे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, मे बी वो पूछे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, मे बी वो पूछे पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, बट आपको याद रखना है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो केल्विन पे ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर. ये सबसे पहले आपको यही चीज याद रखना है. ये बार बार क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है हर एक जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो इलेक्ट्रिकल वाले पर्सन को इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जीरो केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे और जितने भी सेमीकंडक्टर वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे. आगे जाएंगे इसी बेस में एक और क्वेश्चन बनता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. जब टेम्परेचर जो भी हमारे पास चीजें होती है किसी भी सब्जेक्ट में वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे ही बेस पे होता है. ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आपको लिखा जाएगा पेपर में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. और पूरे टेक्निकल वर्ड में बात की जाए तो आपको लिखा जाएगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम. इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. ये हमारे पास होता है थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो भी है हमारे पास जो भी है ओम्स लॉ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन है. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जितने भी तरह के सेमीकंडक्टर्स है ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने भी तरह के हैं, ओके, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं. ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. मीन्स कि आपको वहां से धोखा दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर. आपको पता होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑल टाइप सेमीकंडक्टर जब भी लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर जितने भी तरह के सेमीकंडक्टर है वो सारे इसी में इंक्लूड हो जाएंगे. तो जितने भी तरह के सेमीकंडक्टर्स होंगे ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे जब द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा. ओके, मे बी वो आपको एग्जाम में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ना लिखे बट आपको जब भी कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट होगी उसको आपको याद रखना है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के बेस पे ही रहेगा. सो आपको दो क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा बन जाएंगे. पहले मैंने आपको बताया है कि जो सेमीकंडक्टर जो है वो ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी मेटल से कम इंसुलेटर से इक्वल या उससे ज्यादा रहता है. अब ये क्वेश्चन जो है वो क्या बनेगा, जीरो केल्विन पे ऐसा कौन सा टेम्परेचर है यहां पर सारे के सारे मींस की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंटी सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर वो कैसे बिहेव करेंगे इंसुलेटर के, वो कौन सा टेम्परेचर है, जीरो केल्विन पे. नेक्स्ट जाते हैं, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है अभी वो है एनर्जी गैप.
एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या है वो हम देखेंगे ओके। बट एनर्जी गैप पढ़ने से पहले, एनर्जी गैप पढ़ने से पहले आपको याद रखना है एनर्जी गैप का जो यूनिट होता है वो रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये यूनिट जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है एनर्जी का, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है हमारे पास, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी ओके। बट एवरीवन सो जब भी हम पढ़ते हैं इन द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो जूल रहता है, बट हमारे पास जब भी हम यहां पर बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो वहां पर जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, इसलिए आपको इसका रिलेशन मालूम होना चाहिए जूल के साथ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपको याद रखना है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इट इज यूनिट ऑफ द एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स ओके। एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये भी आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए ओके। आफ्टर दैट हमारे पास अभी जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप यू नो हमारे पास बैंड्स होते हैं, दो तरह के बैंड्स रहते हैं, कंडक्शन बैंड एंड देयर इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कहां से होगी, माइनस इनफिनिटी से लेके ईवी तक। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी जो होगा वो कहां से होगा, ईसी से लेके प्लस इनफिनिटी तक। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में होगा उसका एनर्जी जो होगा वो कहां से होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके एवी तक। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कहां से होगा, ईसी से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, इन दोनों के बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप रहता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का यूनिट क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। सो यहां पर हमारे पास आपको याद रखना है वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अब इसके बाद इस पर यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वैलेंस बैंड में किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वैलेंस बैंड में आपको जो याद रखना है बाउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मींस जब आपको मालूम होगा हर एक मटेरियल जो है वो एटम से बना है, एटम्स के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जो एटम के अंदर है वो हमारे पास किसके अंदर होंगे, वैलेंस बैंड में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंडक्शन बैंड कौन से रीजन के लिए है इलेक्ट्रॉन्स के, जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे पास कंडक्शन बैंड में होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसके अंदर होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कहां पर होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे। और एनर्जी गैप क्या है, ये मिनिमम एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहां मूव करने के लिए, कंडक्शन बैंड में। कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करने के लिए ओके। सो आपको यहां से जो क्वेश्चन है वो क्या क्या बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। वैलेंस बैंड में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होगा उसको हम मेजर करते हैं एनर्जी गैप के टर्म में ओके। बाकी चीजें इसके बेस पे हमारे पास क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है। अब देखिए हमारे पास तीन तरह के मटीरियल है, मेटल्स जिनको आप कंडक्टर भी बोलते हैं, फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स जिनका कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में होता है, और नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेटर ओके। ये तीन तरह के मटेरियल्स है हमारे पास, आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं इन तीनों के बीच में, क्योंकि हमें डिफरेंस जो है वो मालूम होना चाहिए। मेटल्स जो है वो हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सभी को मालूम है। ऐसा क्यों है, बिकॉज मेटल में एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे देयर इज नो एनर्जी गैप। 0 केल्विन पे कोई भी यहां पर एनर्जी गैप नहीं होगा। मैं ये इसको बना रहा हूं एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन पे यहां कंडक्शन बैंड है और नीचे हमारे पास क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा। सीधा ही यहां पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एनर्जी ईसी इक्वल टू ईवी रहेगा और हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप इज जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए कहां से मूव करने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है और अपने आउटर मोस्ट शेल में है, अपने एटम के आउटर मोस्ट शेल में है, उसको हम इजिली वैलेंस बैंड से कहां लेके जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में। उसके लिए इसको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। इसलिए मेटल एक ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं
कहां पर? जीरो केल्विन पे भी। बाकी कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जहां पर जीरो केल्विन पे भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ओके, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कनेक्शन बैंड में हमेशा। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकंड चीज आपको याद रखना है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, कनेक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएंगे। कनेक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर देंगे और ये ओवरलैपिंग एरिया यहां पर किस टेम्परेचर बता रहा हूं मैं, ये टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन है। 300 केल्विन कौन सा टेम्परेचर होता है? ये होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर। दिस इज आवर रूम टेम्परेचर। ओके, जब टेम्परेचर जीरो केल्विन होगा तब हमारे पास क्या होगा कि वैलेंस बैंड वाला एज ईवी, वैलेंस बैंड वाला जो एज है ईवी वो हमारे पास ऊपर की तरफ चला जाएगा और कनेक्शन बैंड वाला जो एज है ईसी वो नीचे की तरफ चला जाएगा और दोनों के बीच में ये जो एरिया है उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया। ओके, नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है यहां से, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं मैं। यहां पर मेटल है, यहां पर सेमीकंडक्टर है और यहां पर इंसुलेटर है। अब जो थर्ड पॉइंट है मेटल्स के ऊपर वो हमारे पास आपको याद रखना है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है मेटल्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनकी कंडक्टिविटी जो है मेटल्स की, जो कंडक्टिविटी है किसकी, मेटल्स की, वो होती है डिक्रीज। और कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी जो होगी मेटल्स की वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए हमारे पास हम क्या बोलते हैं कि जो मेटल है किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ने से अगर उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो उसका जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होगा, टेम्परेचर कॉफिशियंट होगा उसका वो हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर किसी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा उसका टेम्परेचर कॉफिशियंट जो होगा वो रहेगा पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास वो हमारे पास होते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट मटेरियल, पीटीसी होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट मटेरियल। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा मेटल्स के बारे में, मेटल के बारे में वो सभी मटेरियल के लिए ट्रू है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी जो होती है वो मूव करने की क्षमता होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। मूव करने की जो क्षमता होगी जो मटेरियल के अंदर वो हमारे पास मोबिलिटी से दिखा जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से मोबिलिटी हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है और ये हमेशा नॉन लीनियरली होगा। ये कैसे होगा, नॉन लीनियरली। ओके, आपको याद नहीं रखने की जरूरत है कि कितने पावर से वो डिक्रीज होगा, बस इतना ही याद रखिए वो नॉन लीनियरली डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने से। और पॉइंट्स के लिए आपको यहां पर कुछ मेटल्स के लिए एग्जाम्पल लिख लेना है, मेटल की एग्जाम्पल, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी एग्जांपल्स है, बेस्ट मेटल्स है, वो यहां पर आप लिख लीजिए। वापस चलते हैं अभी सेमीकंडक्टर से आने से पहले, सेमीकंडक्टर क्योंकि हमें पूरा डिटेल में सेमीकंडक्टर बढ़ना है, यहां पर इंसुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेटल में हमारे पास जीरो केल्विन पे एनर्जी का जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं इंसुलेटर में जो भी मटेरियल इंसुलेटर है उसका एनर्जी गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। कोई भी मटेरियल आपको जिस ज्यादा पूछा जाएगा कि इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, इंसुलेटर में एनर्जी गैप जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट अम्बीज की, कहने का मतलब है यहां पर कनेक्शन बैंड है, यहां पर हमारे पास वैलेंस बैंड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया वैलेंस बैंड में क्या आएंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है और कनेक्शन बैंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और बीच में मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, जैसे कि बताया गया है कि एनर्जी गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, मींस कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होगी किसी भी बाउंड इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में, तो इसलिए हमारे पास इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये हमारे पास यहां पर जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे मींस कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा हमारे पास, बिकॉज उसके पास एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, सेकंड पॉइंट जो याद रखना है, इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर होता है। मींस कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी गैप क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे एनर्जी गैप हमारे पास डिक्रीज होता रहेगा इंसुलेटर के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको इसके बारे में इतना ही जानने की जरूरत है, बट
इसको बंद करने से पहले आप इनके बारे में एग्जांपल्स लिख लेना, जैसे कि हमारे पास कुछ बेस्ट एग्जांपल जो है पीवीसी है, ओके, बैकेलाइट है, बैकेलाइट हमारे पास, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, माइका, ये सारे पास इसकी एग्जांपल्स है, बट आपको और भी एग्जांपल जो अच्छी अच्छी एग्जांपल्स है जो आप इसके बारे में एग्जांपल्स में पढ़ लेना, बिकॉज मुझे जो है वो कहां पर पढ़ाना है, सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर पढ़ाने से पहले मैंने आपको मेटल्स के बारे में जो भी मुझे बताना था आपको, वो जो बेसिक क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। अब सेमीकंडक्टर जो है वो हम इसको डिफरेंटली पढ़ेंगे, ओके, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे जाने से पहले आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं मेटल्स के बारे में। मेटल्स, मेटल्स मींस मेटल, ओके, मेटल, और मेटल में हम कौन सा ले रहे हैं, सॉलिड, बेसिकली जो मेटल्स है वो सॉलिड से ही आते हैं, ओके, अब कोई भी मेटल लेंगे, ओके, तो आप याद रखिए ये क्या है, सॉलिड है मेटल, ओके। मेटल्स के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया मेटल्स जो है उसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अब मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहां से, देखिए कोई भी एटम, ओके, ये एटम है, जनरली ये एटम है, ओके, दिस इज एटम, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, एटम आपको मालूम होगा ये एक एटम है, ओके, एटम के अंदर हमारे पास सेंटर पे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली नो चार्ज, उसमें न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, तो ये एक एटम है, ओके, एटम, कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो उस एटम को अभी हम क्या बोलेंगे, एक आयन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक आयन बोलेंगे। जब भी कोई एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो एक आयन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयंस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेटल्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहां से है, एटम से आए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से है, एटम से आए हैं, तो एटम से आए हैं, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर मेटल्स के अंदर फिर क्या क्या होगा, आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस क्यों आए, बिकॉज अपने एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया है, एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको डोनेट कर दिया है, उसको डोनेट कर दिया है। जैसे मिनट, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयन कहां से है, क्योंकि एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी यहां पर हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, सो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो हमारे पास क्या है, फ्रीली मूव कर रहे होंगे, क्योंकि इनका मास इतना कम है कि इनको रोका नहीं जा सकता है, ये फ्रीली यहां पर रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ओके, बट ये आयन जो होते हैं, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, कोई भी सॉलिड मटेरियल जैसे कि मेटल बात कर रहे हैं, उसमें आयन जो होंगे वो इमोबाइल होते हैं, आयन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास इमोबाइल, इमोबाइल, कोई भी मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, उसमें भी आयन जो होंगे वो इमोबाइल होंगे, इमोबाइल मींस की जो मूव नहीं कर सकता है, बिकॉज ये होते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल, क्या होते हैं ये हमारे पास, हैवी चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है कि इसके अंदर अभी भी इस एटम ने अभी भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके अंदर और भी इलेक्ट्रॉन्स है, सेंटर पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, तो ये हैवी होते हैं, ओके, तो ये मूव नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत लाइट रहते हैं, इसलिए वो इजिली मूव कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज पार्टिकल जो मूव कर सकते हैं, इसलिए इनकी मोबिलिटी पढ़ते हैं, बट ये इमोबाइल चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या है, आयंस है, तो आपको याद रखना है हमेशा आयन जो होते हैं वो सॉलिड मटेरियल में मूव नहीं करते, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, ओके, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि जो आयंस है वो मूव कर लेते हैं बट होल मूव नहीं करते सेमीकंडक्टर में, ऐसा नहीं है, होल्स मूव कर लेंगे बट आयंस नहीं मूव करेंगे, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होगा यहां पर, जब भी किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर जब वो वाला मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, तो उस मटेरियल में हीट जनरेट होती है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, वो हीट कब जनरेट होती है वो आपको बताना चाहूंगा, वो हीट कब जनरेट होती है, आपको याद रखना है किसी भी सॉलिड मटेरियल में जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जैसे कि मेटल है, जैसे कि हमारे पास मेटल है, मेटल है, तो मैंने आपको बताया मेटल्स में क्या है, पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है,
ओके पॉजिटिव आयंस कहां से है, बिकॉज वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कराएंगे, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट आएंगे तो मींस ये इलेक्ट्रॉन फ्री जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे होंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा था, तो क्या होगा, मूव करते करते ये वाला इलेक्ट्रॉन जब वो मूव करेगा, तो आपको बताया कोई भी चीज जब मूव करेगी उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, कैनेटिक एनर्जी होगी, उसके अंदर क्या कौन सी एनर्जी होगी, कैनेटिक एनर्जी रहेगी। जैसे मिनट सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है, उसकी कुछ कैनेटिक एनर्जी है, उसकी कुछ हमारे पास कैनेटिक एनर्जी है, तो बीच में एक आयन भी आ गया। ओके वो आयन पहले से वहीं पता, क्योंकि आयन तो मूव नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कोई भी मेटल है जिसमें हम जिसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट कराएंगे तो उसमें हीट जनरेट होती है। वो हीट कब जनरेट होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते जिसके पास मूव करेगा तो उसके पास कैनेटिक एनर्जी है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इस आयन के साथ टकरा जाएगा मींस की कोलाइड करेगा, कोलाइड मतलब टकराना। ओके मूव करते करते टकराना, कैनेटिक एनर्जी जो है वो उसके पास कब है, जब वो मूव कर रहा है। ओके जब जैसे ही वो आयन के साथ टकराएगा तो वो अपनी कैनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि हम एनर्जी को बस क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब इसके पास जब मूव कर रहा था कैनेटिक एनर्जी था, जब ये टकराया तो इसके पास कैनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब जो कैनेटिक एनर्जी जो है वो लूज करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा, हीट की फॉर्म में मींस के किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी ऐसे मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जो सॉलिड है हमारे पास, उसके अंदर हीट कब जनरेट होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक आयन के साथ इमोबाइल आयन के साथ टकराता है तो वो हीट जनरेट करता है, बिकॉज उसकी जो कनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाता है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमारे पास एक थोड़ा सा चीज और होता है, थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज क्या है, थर्मल वोल्टेज एक हमारे पास क्या है कि जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमने देखा मेटल क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी मींस की टेम्परेचर का इफेक्ट किसके साथ है, रेजिस्टिविटी के साथ होगा, कनेक्टिविटी के साथ भी होगा, कनेक्टिविटी के साथ होगा तो उसके करंट के साथ लेना देना भी होगा। तो मींस की टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो हमारे पास उसके करंट पे भी पड़ेगा। ओके तो इसलिए जो टेम्परेचर है उसको हमने किस में मेजर कर लिया, वोल्टेज के टर्म में मेजर कर लिया। तो थर्मल वोल्टेज क्या करता है, वो टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज में। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो किस टर्म में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज के टर्म में, ताकि हम इनको इजीली समझ सके कि इसका इफेक्ट क्या है। ओके टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलता जाता है, इसको दूसरा नाम बोला जाता है, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लासेस है, इसमें आपको बस रिवीजन कराई जा रही है, तो आपको याद रखना है वीटी को हम क्या लिखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इनटू टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन क्यू। क्यू इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके वीटी इज द थर्मल वोल्टेज, के इज द यहां पर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको हम किस में मेजर करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम मेजर करते हैं जूल पर केल्विन में। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू के लिए आपको याद रहना चाहिए, क्लासेस में आपको लिखाया गया होगा। टेम्परेचर हमारे पास किस में है, यहां पर केल्विन में है, और यहां पर चार्ज क्यू जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यू नो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो ये किस में है, कूलम में मेजर हो रहा है। ओके सो ये हमारे पास थर्मल वोल्टेज का वैल्यू रहता है। अब पेपर में थर्मल वोल्टेज के बेस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, वीटी का वैल्यू हमारे पास क्या है, वीटी इज नथिंग बट इक्वल टू के टी बाय क्यू। हम अब K और Q दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम उन दोनों को डाल के यहां पर एक सरल फॉर्मूला लिख लेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, T अपॉन 11⁶, और इसका यूनिट क्या आएगा, वोल्ट्स में आएगा, वोल्ट्स, बिकॉज वोल्टेज है तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्टेज में होगा। अब जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो हमेशा याद रखे आपका वीटी का वैल्यू क्या होगा, वीटी का वैल्यू होता है 0 वोल्ट। और जब टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन रहता है तो आप ये सब यहां पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, इस केस में हमारे पास वीटी का जो एक्यूरेट वैल्यू आता है वो आता है 26 मिली वोल्ट, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 25 मिली वोल्ट लिखता जाता है। ओके
25 मिली वोल्ट। ऐसे ही आपको कोई भी टेम्परेचर पर जब थर्मोवोल्टा का वैल्यू पूछा जाए तो आप इस फॉर्मुले को छोड़कर इस फॉर्मुले को यूज करिए ताकि वहां पर आपको इजीली आंसर दे सके। ओके, यहां पर अदरवाइज आप बहुत बड़ी 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 टर्म्स यहां पर पुट करेंगे तो वो वहां पर टाइम लेगा। पेपर में हमारे पास एक ही चीज की कमी रहेगी, टाइम की। पढ़ने के बाद जब आप पूरा पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, ये कर लिया, वो कर लिया, सर बुक्स भी पढ़ लिया आपने, यहां कोचिंग भी कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, बट उसके बाद भी आपके पास एक चीज की कमी रहेगी, टाइम की। ओके, टाइम की कमी क्यों रहेगी? बिकॉज आपकी रिविजन नहीं होगी। तो रिविजन क्लासेज यहां पर चल रही है तो आपको इसको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हमारे पास अभी हम आते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में। ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास देखिए कौन कौन से, जैसे है सिलिकन, सिलिकन इज वन ऑफ द बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, देन है जर्मेनियम, सिलिकन एंड जर्मेनियम वन ऑफ द बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है यहां पर हमारे पास। और नेक्स्ट है गैलियम आर्सेनाइड, नेक्स्ट है हमारे पास इंडियम फॉस्फेट। ओके ओके, मोस्टली जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है, देखिए हमारे पास यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन, इनमें से कौन सा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, इनमें से कौन सा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अभी एलिमेंटल जो है वो कोई सेमीकंडक्टर नहीं है, एलिमेंटल एक छोटा सा डेफिनेशन है जो कि आपको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एलिमेंटल इज व्हाट, कोई भी एटम, कोई भी मटेरियल को हम एलिमेंटल मटेरियल तब बनता है जब वो एक ही तरह के एटम से बना है। तो सिलिकन और जर्मेनियम सिर्फ सिलिकन में सिर्फ सिलिकन के ही एटम होंगे इसलिए उसको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम में सिर्फ जर्मेनियम के ही एटम्स होंगे इसलिए उसको हम तब बोलेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। तो सिलिकन और जर्मेनियम हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं। और दो ऐसे मटेरियल जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा तरह के एटम्स होते हैं, ओके, उनको हम कंपाउंड मटेरियल्स बोलते हैं। इसलिए यहां पर एक से ज्यादा तरह के एटम्स के मिला के हमने फिर से हमें सेमीकंडक्टर बनाया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जनरली जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट प्लस फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट से मिला के मिलता है। आपको याद रखना है गैलियम आर्सेनाइड जैसे इंडियम फॉस्फेट, ये सारे थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को मिला के बना हुआ है। जैसे कि यहां पर गैलियम जो है वो थर्ड ग्रुप से है, ओके, आर्सेनाइड जो है वो फिफ्थ ग्रुप से है, ओके, और जो इंडियम है, सिमिलरली इंडियम, जो इंडियम है वो थर्ड ग्रुप से है, फॉस्फोरस है वो फिफ्थ ग्रुप से है। ऐसे कोई भी आप थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को मिला के हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है और जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है वो सारे के सारे हमारे पास, वो सारे के सारे हमारे पास फिफ्थ ग्रुप से आते हैं, सॉरी फोर्थ ग्रुप से आते हैं, सारे के सारे फोर्थ ग्रुप से आते हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है वो कहां से आएंगे, फोर्थ ग्रुप से आएंगे। अब इसके बारे में छोटा सा बेसिक नॉलेज और बताता हूं कि आपको, ये तो एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं और गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फेट आर द कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जनरली हम थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। और आपको याद रखना है जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है वो कौन से है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो है वो जनरली डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये हमारे पास क्या रहते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स जनरली ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हमारे पास जब एनर्जी रिलीज होती है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो हमारे पास हीट की फॉर्म में होता है। बट जो दूसरा है हमारे पास ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जनरली ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जब भी इस केस में जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में होती है। जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स है वो जनरली थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को मिला के बनाया जाता है। ओके, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर हमारे पास इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। जब इस केस में एक कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वो हमारे पास हीट की फॉर्म में होता है। बट यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो हमारे पास लाइट की फॉर्म में होता है। इसलिए हमारे पास ये मटेरियल को हम एलईडी बनाने में यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में आपको अभी देखिए प्लीज वापस आते हैं टॉपिक पे। अभी हमारे पास जो
जो हमारे पास आपको ये याद रखना है कि ये हाई एनर्जी लेवल कौन सा है, कनेक्शन बैंड, ओके, और लो एनर्जी लेवल कौन सा है हमारे पास, बैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कौन सा है, एनर्जी गैप, ओके। देखिए यहां पर देखिए, अभी ये हमारे पास ईसी था, ये हमारे पास ईवी था, ओके। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस बैंड से कहां पर जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, तो वो वैलेंस बैंड में एक होल जनरेट करेगा। ये किसकी बात कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात हो रही है, जो भी बात होगी अब सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में ही बात होगा। वैलेंस बैंड में होल जनरेट करेगा और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, ओके। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, ओके। सो लो एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मींस की लो एनर्जी लेवल से कनेक्शन बैंड मींस की हाई एनर्जी लेवल पर जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, वैलेंस बैंड में एक होल जनरेट होगा, कनेक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। मींस की हमारे पास हमेशा, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, यहां पर किसकी बात हो रही है, अभी प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन और होल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल होगा, बिकॉज जब भी एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा कनेक्शन बैंड में, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, जो कनेक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वही हमारे पास काम किया है। जब भी हमें होल की बात करनी है तो होल कहां पर बात करना है, वैलेंस बैंड में बात करना है, ओके। तो हमारे पास एन, एन जब भी यहां पर लिखा जाएगा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, दिस इज इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसको हम मेजर करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम से, बिकॉज ये बताता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल, ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द मटेरियल, ओके। ये है P, क्या है, होल कंसेंट्रेशन, होल कंसेंट्रेशन ये बताएगा नंबर ऑफ होल्स इन ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमेशा इनको हम मेजर करेंगे पर मीटर क्यूब से, इनको हमेशा किसमें मेजर करना है, पर मीटर क्यूब से, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ही डिफाइन रहता है, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, होल कंसेंट्रेशन। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का और होल का कंसेंट्रेशन दोनों में सेम रहता है, किस केस में, जब प्योर सेमीकंडक्टर होगा, बिकॉज जब भी एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो उसके साथ एक होल भी जनरेट होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जब एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में होते हैं, ओके। आप खुद सोचिए, कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है, उसको अपना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, तो अगर वो इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा हीट की फॉर्म में, ओके। तो हाई एनर्जी लेवल से कोई भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन, बिकॉज वो पहले भी हमारे पास कहां पे थे, वो इलेक्ट्रॉन जो था वो होल के साथ ही था पहले, ओके, इलेक्ट्रॉन जो था वो होल के साथ ही था। ये सब कुछ, होल कैसे जनरेट होता है, होल आया कहां से, बिकॉज आपने पढ़ा होगा होल एक इमेजिनेशन, इमेजिनरी चार पार्टिकल है, ये सब कुछ चीजें हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बस ये जो क्लासेस का मतलब है वो क्विक रिविजन है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसमें रिवाइज करेंगे, तो मैं आपको यहां पर ये नहीं बता पाऊंगा कि ये होल कैसे आया, ओके, होल आया कहां से, कैसे इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल है, ये सब चीजें हम यहां पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये क्लासेस जो है वो रिवीजन पर्पस के लिए है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी यहां पर आपको ये भी लाइन याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर कंसेंट्रेशन, होल का कंसेंट्रेशन हमेशा इक्वल रहता है प्योर सेमी कनेक्टर्स में, ओके, इलेक्ट्रॉन पर कंसेंट्रेशन, होल का कंसेंट्रेशन हमेशा इक्वल रहता है प्योर सेमी कनेक्टर में। मीन्स की अगर आप प्योर सेमी कनेक्टर की बात करें, एंड इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन और होल का कंसेंट्रेशन का अगर रेशियो लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, एन इक्वल टू पी होता है, N इक्वल टू पी होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और होल का कंसेंट्रेशन इक्वल होता है, इसलिए इसका रेशियो जो होगा वो इक्वल टू वन रहेगा। ये कब होगा, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, मींस की इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, ये कब ट्रू है, इक्विलिब्रियम, ओके। ये सब चीजें याद रखना है, जो भी चीजें हम डिफाइन करते हैं पेपर में, एग्जाम में, जो भी हमारे बुक्स में लिखा है वो सब कुछ किसमें है, इक्विलिब्रियम में है हमारे पास, मींस की कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ओके, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। एन का रेशियो और होल का रेशियो अगर हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन और होल का कंसेंट्रेशन का रेशियो लेंगे, हमेशा इक्वल टू वन आएगा। वापस चलते हैं, आपको छोटा सा एक और कंसेप्ट बताना चाहूंगा, मेटल, मेटल के बारे में कंसेप्ट जो है वो क्या है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की होती है वो मुझे आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, जो मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग रहता है, मेटालिक बॉन्डिंग, ओके। और इंसुलेटर के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग रहता है, इंसुलेटर के अंदर हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग रहता है,
इंसुलेटर के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग रहती है। हमेशा याद रखिए ये बॉन्डिंग कैसे या कैसे बनती है वो सब जानने की अभी टाइम नहीं है हमारे पास, बस आप याद रखिए मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग, आयन के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग और सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत ही फेमस बॉन्डिंग का नाम कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ रहे हैं यहां पर तो हमने देखा सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। अब देखिए यहां पर अभी चाहे वो हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर है चाहे वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, इन सभी के अंदर बॉन्डिंग एक ही तरह की होगी, वो होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी किसी मटेरियल में तभी वो सेमीकंडक्टर बनेगा, अदरवाइज वो सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा। ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी किसी मटेरियल के अंदर तभी वो सेमीकंडक्टर बनेगा, अदरवाइज वो सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा। ओके, थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं तो आपको लग रहा है बहुत फास्टली पढ़ाया जा रहा है, बट आपको पता आप YouTube पे पढ़ रहे हो तो वहां पर स्पीड कम करने का ऑप्शन भी होता है, आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। ओके, जैसे आपको अगर ज्यादा अगर अभी भी स्पीड कम लग रही है तो आप और स्पीड बढ़ा के देखिए, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है वहां पर। ओके, तो नेक्स्ट जो है मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन और कम्बिनेशन। ओके, ये सब कुछ होता है हमारे पास किसमें, सेमीकंडक्टर मटेरियल में, सेमीकंडक्टर में मटेरियल में। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में मैंने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है कि देखिए हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है जिसके बारे में बताया है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मैंने बताया ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, फोर्थ ग्रुप में। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये जो सिलिकॉन है और जो जर्मेनियम है इसके वैलेंस सेल में, मींस की आउटर मोस्ट सेल में हमेशा फोर इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम के वैलेंस सेल में हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो भी बॉन्डिंग्स होती है किसी भी मटेरियल में, बॉन्डिंग में जो पार्ट्स लेते हैं वो हमेशा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमेशा हम जो बॉन्डिंग्स बनाते हैं, जो मेटालिक बॉन्डिंग है हमारे पास, आयनिक बॉन्डिंग है, ये सब कुछ किसमें हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो सिमिलरली यहां पर भी सिलिकॉन जो मटेरियल है इसमें भी जो है वो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से ही बॉन्डिंग बनेगी। तो मैं यहां पर एक जनरली छोटा सा एक आपको दिखा रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होता क्या है, जैसे कुछ हम क्लास में पढ़ चुके हैं, मुझे यहां पर बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको क्विकली बता रहा हूं। यहां पर देखिए क्या होगा कि हमारे पास इस वाले सिलिकॉन एटम में, इस वाले सिलिकॉन एटम में हमारे पास क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली इस वाले सिलिकॉन एटम के पास आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली यहां पर भी आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली यहां पर भी जो सिलिकॉन का एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, आउटर मोस्ट सेल मींस की जो उसका सबसे एंड में है। ओके, आउटर मोस्ट सेल में तो हमारे पास क्या है, किसी भी नोबल गैसेस के बारे में सुना होगा, नोबल गैसेस सबसे स्टेबल क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके केस में हमारे पास क्या होता है, उनके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो भी हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं उसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है एटम की, व्हाई इट्स सो, बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट सिलिकॉन के एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अपने आप को स्टेबल करना है, उनको अपने आप को स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे, जैसे कि पर्टिकुलरली मैं इस सिलिकॉन के एटम के बारे में बात कर रहा हूं, वो क्या करेगा अपने नोबल वाले एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी नेबर वाले एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी नेबर वाले एक एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये जो शेयरिंग है वो पार्शियल शेयरिंग है, पार्शियल शेयरिंग, पार्शियल मींस कि किसी ने डोनेट नहीं किया, किसी ने डोनेट नहीं किया और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे NaCl है, NaCl इज ए आयोनिक बॉन्ड, NaCl में आयोनिक बॉन्ड होता है हमारे पास, NaCl में आयोनिक बॉन्ड होता है, तो उसमें जो होता है वो कंप्लीटली शेयरिंग होता है। ओके, बट यहां पर जो है वो ये पार्शियल शेयरिंग है, दिस इज द पार्शियल शेयरिंग, मींस किसी भी सिलिकॉन के एटम में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये पार्शियल शेयरिंग है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम के पास देखेंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। मींस कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि इसने अपने आप को स्टेबल कर दिया है, और ऐसी बॉन्डिंग को जिसमें कोई एटम अपने नेबर के एटम के साथ पार्शियली इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, उसको अंदर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जो भी सिलिकॉन के एटम होंगे, अब एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ जो बंधे जाएंगे वो किस बॉन्डिंग के साथ बंधे जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ ही बंधे जाएंगे। तो मैं अभी ये कहना चाहूंगा, अभी हमने बोला कि जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है वो टी इक्वल टू जीरो केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज टी इक्वल टू जीरो केल्विन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन में, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहां पर होंगे? कोवलेंट बॉन्ड में होंगे, कोवलेंट बॉन्ड में। और कोवलेंट बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। कोवलेंट बॉन्ड मींस कि हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? वैलेंस बैंड में। तो मींस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, मींस कि कोवलेंट बॉन्ड में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, इसलिए वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जीरो केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी हम बात कर रहे थे हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में एट रूम टेम्परेचर, मैं पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखूंगा, 200 टेम्परेचर पे होगा, मैं बता दूंगा आपको। मैं किस किस की बात की? मैंने जर्मेनियम की बात की, ये सिलिकन की बात की, और वैसे जर्मेनियम और सिलिकन इनफ है, मैं फिर भी आपको गैलियम आर्सेनाइड बीच में घुसा रहा हूं ताकि अगर वो पूछा जाए तो वो आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। गैलियम आर्सेनाइड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसलिए उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। ओके, तो एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनर्जी गैप की। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। यहाँ पर लिखा इजी नोट, मींस की ये एनर्जी गैप है जीरो केल्विन पे। ओके, दूसरा है एनर्जी गैप कहाँ पर? 300 केल्विन पे। दूसरा एनर्जी गैप जो है वो कहाँ पर है? 300 केल्विन, मींस की टेम्परेचर यहाँ पर कितना है हमारे पास? 300 केल्विन, 300 केल्विन, यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो जर्मेनियम में हमारे पास जो है जीरो केल्विन पे जो एनर्जी गैप रहता है वो रहता है हमारे पास 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही हमारे पास जो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा 300 केल्विन पे आएगा, तो इसका जो एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मींस की एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी गैप क्या होगा? डिक्रीज होगा। आगे बढ़ते हैं, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप कब? जब टेम्परेचर जीरो केल्विन होता है सिलिकॉन के अंदर, और ये डिक्रीज होकर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है कब? जब टेम्परेचर 300 केल्विन रहता है। सिमिलरली गैलियम आर्सेनाइड में जाएंगे, इट इज 1.5। ये हमारे पास जो भी डाटा है वो अप्रोक्सीमेटली डाटा है। ओके, इसके आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, जो भी है वो स्टैंडर्ड बुक को बेस पे है। एनर्जी गैप जो है वो जीरो केल्विन पे गैलियम आर्सेनाइड में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो डिक्रीज होकर 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है इस केस में, जब टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा। ओके, मींस कि हमारे पास आप यहां से देख सकते हैं कि जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी एनर्जी गैप जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एनर्जी गैप जो है हमारे पास डिक्रीज होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर भी। ओके, यहां भी ये आपको थोड़ा सा बात यहां पर याद रखना है, और जी डाटा के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जी डाटा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछने की जो है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। ये डाटा आपको अनफॉर्चुनेटली याद रखना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज के लिए। ओके, क्योंकि इस डाटा के बेस में और भी बड़े सारे क्वेश्चन जो है आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो कैसे होंगे मैं आप आगे बात करूंगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब वो एक फेमस इक्वेशन है एनर्जी गैप के बारे में। एनर्जी गैप जो होता है अगर आपको किसी भी टेम्परेचर पर निकालना है, टेम्परेचर मान लीजिए टी, टेम्परेचर टी जो है उस पर निकालना है, तो वो हमारे पास क्या होगा? एनर्जी गैप जो होगा जीरो पे जो होगा माइनस है बी बीटा, यहां बीटा एक कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई विद द टेम्परेचर, माइनस है यहां पर, यह माइनस का साइन है, माइनस है बीटा टी, माइनस है बीटा टी। ओके, बीटा यहां पर एक मटेरियल कॉन्स्टेंट, बीटा इज मटेरियल कॉन्स्टेंट, इसके बारे में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत है। मटेरियल कॉन्स्टेंट जो है इसका जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ओके, बस आपको ये इक्वेशन के बारे में याद रखिए, अगर आपको किसी भी टेम्परेचर टी इक्वल टू टेम्परेचर टी है उस पर आपको एनर्जी गैप निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला रहता है, बस इतना ही याद रखिए, बिकॉज ये इक्वेशन ही आपसे पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जा पाएगा। ओके, तो हमारे पास अभी जो है नेक्स्ट जो है यहां पर सेमीकंडक्टर्स के बारे में वो है मोबिलिटी के बारे में, मोबिलिटी के बारे में जो सेमीकंडक्टर के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है हमारे पास? मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी मैंने आपको बताया था, मोबिलिटी के ऊपर छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज वेरी स्मॉल बट इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। मोबिलिटी मूव करने की क्षमता जो होती है किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो मूव करने की क्षमता होती है किसी मटेरियल के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है? मोबिलिटी होता रहता है। ओके, मोबिलिटी को हम म्यू से डिफाइन करते हैं,
म्यू से डिफाइन करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो रहता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ये हमारे पास इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। इसका यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। और इसका जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन हमारे पास मोबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है वो रहता है हमारे पास ये रेशियो रहता है, अनुपात रहता है। अनुपात किसका होता है हमारे पास, ये हमारे पास ये अनुपात रहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अनुपात रहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वीडी अपॉन ई। वीडी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की मटेरियल के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं वोल्ट पर मीटर पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं हमारे पास मीटर्स पर सेकंड में, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में होगा, तो यहां से हमारे पास मोबिलिटी का यूनिट आ जाएगा। अब यही छोटा सा जो डेफिनेशन है इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। यहां पर आपको क्या है, दो ये तीन चीजें हैं, ओके, इनमें से आपको दो चीजें दी जाएगी पेपर के अंदर, जैसे कि आपको मोबिलिटी दे दी गई है, इन्हें सिलिकॉन मटेरियल मोबिलिटी इज दिस एंड एक्टिव फील्ड इज दिस, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, ओके। तो यहां से आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, वो होगा मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां से आपको ये छोटी सी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आएगा मोबिलिटी इज, मोबिलिटी इज ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, मोबिलिटी इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो मोबिलिटी जो है इसका हमारे पास वैल्यू जो है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, मोबिलिटी का वैल्यू जो है वो रूम टेम्परेचर में आपको बता रहा हूं, दो ही मटेरियल के लिए याद रखने की जरूरत है आपको, वन इज जर्मेनियम अदर इज सिलिकॉन, ये बता रहा हूं आपको रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है 300 केल्विन, ये हमारे पास रहता है 300 केल्विन, ओके। सो यहां पर देखिए मोबिलिटी, यहां पर दो तरह की मोबिलिटी आएगी, एक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू एन से, म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदर वन इज म्यू पी मोबिलिटी ऑफ द होल्स, म्यू पी इज द मोबिलिटी ऑफ द होल्स, म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू पी इज द मोबिलिटी ऑफ द होल्स। म्यू एन जो होता है मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो रहता है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करके लिखा है, पर वोल्ट सेकंड, पर वोल्ट सेकंड 3800, ओके। और मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये जर्मेनियम की बात कर रहा हूं, वो रहता है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, सिलिकॉन में हमारे पास ये 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड जो होता है वो किसका होता है, हमारे पास होल्स का, सिलिकॉन में, ओके। तो यहां से हमारे पास एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डाटा जो है वो डाटा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन इस डाटा के बेस पे आएगा आपको, इस क्वेश्चन जो है वो सीधा ही डाटा के बेस पे यहां पर आपके पास बन सकता है, ओके। जो भी चीजें आपको कवर करना है प्लीज वीडियो को पॉज करके आप कवर कर सकते हो, ओके। यहां पर आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप इसको उतारे, ओके। सो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ चीजें जो है जो याद रखने के लिए है वो आपको बता रहा हूं। अगर हम रेशियो लें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स का, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स का, अगर वो सिलिकॉन है तो ये रेशियो आएगा 2.6, ये रेशियो हमारे पास क्या आएगा 2.6 आएगा हमारे पास। अगर वो जर्मेनियम है, म्यू एन और म्यू पी का रेशियो लेंगे, अगर वो जर्मेनियम है तो आएगा 2.1, मींस कि जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो हमेशा टू टाइम्स मींस कि थोड़ा सा उससे ज्यादा है, 2 times से थोड़ा ज्यादा है, वो हमेशा ज्यादा रहती है, मींस कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा मोबिलिटी ऑफ होल से ज्यादा रहता है, मींस कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेजी से मूव कर सकता है एज कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ द होल्स, ओके। जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेजी से मूव कर सकता है एज कंपेयर टू द होल, जो तेजी से मूव कर सकता है उसकी वजह से कनेक्टिविटी भी ज्यादा होगी, मींस कि जो कनेक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लेके आता है उससे डबल कनेक्ट वो उससे मींस कि वो डबल होती है एज कंपेयर टू द होल्स। मान लीजिए किसी मटेरियल के अंदर 500 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरी मटेरियल के अंदर, उसी मटेरियल के अंदर 500 होल्स है, ओके। तो बट जो कनेक्टिविटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो डबल होगी, ओके, वो डबल होगी
एज कम्पेयर टू द कनेक्टिविटी ऑफ द होल्स. क्यों? बिकॉज जो मोबिलिटी है, जो मूव करने की क्षमता है इलेक्ट्रॉन की, वो डबल है. ओके लगभग डबल है. ओके 2.6 और 2.1 पर्टिकुलरली सिलिकॉन जर्मेनियम है, अगर हम जनरली बात करें तो डबल है. ओके तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल है मोबिलिटी ऑफ द होल्स. इसलिए जो कनेक्टिविटी भी जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कनेक्टिविटी जो होगी वो डबल होगी जो कनेक्टिविटी होल्स की वजह से है. और बट कंडीशन क्या है, दोनों की जो संख्या है, कंसंट्रेशन है, वो सेम होनी चाहिए. ओके अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और होल की कंसंट्रेशन सेम है तो उसी मटेरियल के अंदर जो कनेक्टिविटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो डबल होगी एज कंपेयर टू द होल्स, जब हम उस सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं. अगर सिलिकॉन होगा, अगर पर्टिकुलर सिलिकॉन बोला जाएगा तो 2.6 होगा, 2.6 होगा कनेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगी वो 2.6 टाइम्स होगी कनेक्टिविटी ऑफ द होल्स. अगर पर्टिकुलर जर्मेनियम होगा तो कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो 2.1 टाइम्स होगी कनेक्टिविटी ऑफ होल्स. ओके ये बहुत ही पर्टिकुलरली पेपर में आपको इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके लिए बेस पे मेनली वो आपको यहां से क्वेश्चन ना पूछे, वो आपको ये पर्टिकुलर डाटा ना पूछे, स्पेसिफिकली डाटा ना पूछे, वो आपसे ये सीधा सीधा पूछ सकता है, ये सीधा सीधा आपको पॉइंट्स पूछा जा सकता है. नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं. ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं. यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, मैं होल्स के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, होल्स के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ. ठीक है, होल्स के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है. इट इज इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट ऑफ दैट इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल, इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल. ओके मीन्स की वास्तविकता में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके सो ये इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल है, होल एक इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल है. उसके बाद हमें इसके बारे में और क्या याद रखना है, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. ओके होल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका जो चार्ज होगा हमारे पास, जो मैग्नीट्यूड चार्ज होगा, चाहे मैग्नीट्यूड ना भी लीजिए तभी ये पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा किसके इक्वल टू होगा, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके मींस की 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ओके मींस की होल पे जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द होल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके दोनों के ऊपर चार्ज जो होता है उसका वैल्यू हमेशा याद रहता है, सेम रहता है. और नेक्स्ट जो है हमारे पास, ओके नेक्स्ट जो है हमारे पास वो उसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि होल है क्या, होल एक इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल है, जो मैं बता दिया आया कहां से, कैसे आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सब जानने की जरूरत नहीं है. बट इसके लिए एक और डेफिनेशन है, जो डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी किसी चीज की कमी, जो डेफिशिएंसी होगी, जो एब्सेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, किसमें, वैलेंस बैंड में, वो हमारे पास किससे द्वारा शो किया जाता है, होल के द्वारा शो किया जाता है. ओके मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास जो एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इन द वैलेंस बैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल. ओके और इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी मीन्स की किसी चीज की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल. ओके जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड से, जब भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएगा तो एक होल जनरेट कर देगा, कहां पर, वैलेंस बैंड में. तो ये होल जो है वो क्या क्या बता रहा है, यहां पर होल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कमी रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया, यहां से एक नेगेटिव चार्ज छोड़कर ऊपर चला गया, तो इसलिए वहां पर एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो वो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज बना देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल. तो डेफिशिएंसी जो होगी किसी चीज की, जो कमी है मीन्स की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वैलेंस बैंड में, वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल से. तो नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर जी, कि मास किसका ज्यादा होगा जो ट्रिकी है यहाँ पर, बिकॉज इसके, क्योंकि मोबिलिटी जो है, जो मूव करने की क्षमता है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, मोबिलिटी जो है मीन्स की मूव करने की क्षमता जो है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, तो मीन्स की जो मूव करने की क्षमता जो है वो किसके, किससे रिलेशन होता है, मास के साथ, जिसका मास कम होगा उसकी मूव करने की क्षमता भी ज्यादा होगी. तो अगर आपको सीधा सीधा पूछा जाए कि जो स्टेटमेंट, ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आएंगे, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, जो मैग्नीट्यूड चार्ज होता है होल का वो इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, दिस इज ट्रू. ओके ओके फिर उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज होल. ओके सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, कि जो मोबिलिटी जो रहती है वो इलेक्ट्रॉन की हमेशा ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया दो टाइम्स, कम से कम दो टाइम ज्यादा होगी. ओके जैसे कि 2.1 था जर्मेनियम के लिए, 2.6 था
सिलिकॉन के लिए। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है मोबिलिटी ऑफ द होल से। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो कम होगा मास ऑफ द होल, मास ऑफ द होल, ओके, मास ऑफ द होल, ओके। ये है ट्रू थिंग, ये हमेशा ट्रू रहता है। बट ये चीजें अगर पर्टिकुलरली सिलिकॉन के लिए पूछा जाए, अगर उसने पूछा इन सेमी कनेक्टर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द होल, ओके, जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो कम है मास ऑफ द होल से, तब ये ट्रू है। बट अगर वो सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तो ये इसका उल्टा रिलेशन होता है। अगर वो सिलिकॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर सिलिकॉन लिख दें, सिलिकॉन मटीरियल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम ज्यादा रहेगा मास ऑफ द होल में सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ओके। बट गैलियम आर्सेनाइड में हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होगा मास ऑफ द होल से। जर्मेनियम जो गैलियम आर्सेनाइड मींस कंपाउंड समिंग, जो गैलियम आर्सेनाइड है उसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा मास ऑफ द होल से कम रहेगा। उसके बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये उल्टा होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा मास ऑफ द होल में, ओके। बट गैलियम आर्सेनाइड में ये ट्रू रहेगा। और अगर वो जनरली पूछे किसी भी सेमीकंडक्टर में कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो हमेशा कम होगा मास ऑफ द होल में, ओके, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमेशा कम रहेगा मास ऑफ द होल में। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बार बार, अगर सेमीकंडक्टर, अगर सिर्फ सेमीकंडक्टर लिखा है तो आपको ये ट्रू है, गैलियम आर्सेनाइड लिखा है तब भी ये ट्रू है। अगर वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए लिख दे, पर्टिकुलर सिलिकॉन लिख दे, सिलिकॉन बट और जर्मेनियम लिख दे, तब ये उल्टा ट्रू होगा, ओके। तो आप इसको समझ के क्वेश्चन कर लेना, आगे बढ़ते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में एक कंपैरिजन करा देते हैं, मींस दोनों में से हमारे पास कौन बेटर है, एक कंपैरिजन करा देते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन जो है उसका एक हमारे पास, मैं आपको बताता हूं इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर, ओके, व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर ओवर जर्मेनियम, ओके। सिलिकॉन को ओवर की या टू भी लिखा जा सकता है, यहां पर एक्यूरेट इंग्लिश में लिखा जाए प्रेफर जर्मेनियम, ओके। सिलिकॉन को हम क्यों प्रेफर करते हैं जर्मेनियम से, ओके, इसके साथ क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं, ओके। और साथ में ये भी लिखा जा सकता है कि जब आईसी फैब्रिकेशन होता है, आईसी फैब्रिकेशन में इसकी जो चिप बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें सिलिकॉन क्यों प्रेफर किया जाता है, कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि सिलिकॉन जो है बहुत लार्ज मात्रा में पाया जाता है हमारी अर्थ में, ओके, अर्थ के क्रस्ट में जो सिलिकॉन जो है बहुत लार्ज मात्रा में पाया जाता है ड्यू टू द अबंडेंस। पूरा बुक की लैंग्वेज में देखा जाए तो वो है ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ सिलिकॉन, ड्यू टू द अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन इन द अर्थ, ओके। अबंडेंस का मतलब है बहुत लार्ज मात्रा में पाया जाना, वेरी लार्ज वैल्यू, ओके। सिलिकॉन बहुत लार्ज वैल्यू में पाया जाता है, इसलिए ये इजीली अवेलेबल है, ओके, इजीली अवेलेबल है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो क्या करेगा, ये आपको चारों ऑप्शन सही देगा, ओके। तो बोलो पहला रीजन जो है वो क्या है, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ सिलिकॉन इन द अर्थ। इसके साथ जितने भी ऑप्शन दे दिए अगर वो सारे एक्यूरेट है, बट आपको प्रेफर किसको करना है, इसी को, ओके, प्रेफर इसी को करना है, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ सिलिकॉन इन द अर्थ, ओके। सो नेक्स्ट मे बी जो है वो इसका जिस दूसरा पॉइंट है, जो सबसे मेन पॉइंट है ये है, दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है जो जो सिलिकॉन में है वो लीकेज करंट जो होता है वो बहुत कम होता है। लीकेज करंट जो है वो डायोड में जाता है, जो डायोड किस में होता है हमारे पास, डायोड किस में होता है हमारे पास, रिवर्स बायस में, लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेटेड करंट, लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेटेड करंट, लीकेज करंट है और जो रिवर्स सैचुरेटेड करंट है वो सिलिकॉन में स्मॉल होते हैं, सिलिकॉन में स्मॉल होते हैं, सिलिकॉन में स्मॉल होते हैं, ओके। लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट इज स्मॉल इन सिलिकॉन, ओके, ये इसका दूसरा रीजन है, स्मॉल इन सिलिकॉन, ये दूसरा रीजन है। इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो सिलिकॉन है में जो लीकेज करंट है वो होता है हमारे पास नैनो अम्पेयर्स में, नैनो अम्पेयर्स में। जो जर्मेनियम है
उसके अंदर ये हमारे पास वैल्यू रहती है माइक्रो एम्पीयर्स में। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे सैचुरेटेड करंट होता है, रिवर्स सैचुरेटेड करंट होता है, जो लीकेज करंट होता है वो सिलिकॉन में नैनो एम्पीयर्स में होता है, मीन्स की बहुत छोटा रहेगा, जर्मेनियम में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, माइक्रो एम्पीयर्स में रहेगा। ओके, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन में नैनो एम्पीयर्स में होता है, जर्मेनियम में माइक्रो एम्पीयर्स में होता है। और जो है इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसमें हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे पास इसका क्या है कि जो टेम्परेचर जो होता है, जो सिलिकॉन जो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर पे काम कर सकता है, जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। थर्ड पॉइंट जो है सिलिकॉन में, सिलिकॉन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर मीन्स की वो कितने टेम्परेचर पे काम कर सकता है, जो सिलिकॉन है उसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो -15 डिग्री सेल्सियस टू द +175 डिग्री सेल्सियस तक वो काम कर सकता है। ये टेम्परेचर वेरिएशन है। ओके, जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम का ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो कितना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब चीजें पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे वो है -50 डिग्री सेल्सियस टू +75 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में इसका वैल्यू रहेगा। मीन्स की सिलिकॉन जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पे काम कर सकता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाएगा। ओके, ये तीनों पॉइंट जो है वो तीनों राइट है, बट अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन मैं से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके बाद हम लगाएंगे, ये क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में चलते रहेंगे, बाद में जब हम बढ़ेंगे ये सब कुछ पढ़ने के बाद सब क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको मैं बता दूंगा आपको चारों पॉइंट जो होंगे वो सही होंगे, बट आपको उनसे कौन सा लेना है ड्यू टू द वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द सिलिकॉन ऑन द अर्थ सर्फेस। ओके, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट जो है जब हम प्योर अगर आपसे जर्मेनियम का एडवांटेज पूछ लिया जाए, तो जर्मेनियम का एडवांटेज ये है कि उसकी कनेक्टिविटी हाई होती है। ओके, उसकी कनेक्टिविटी हमारे पास क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, सो आपको मैं आपको बताता हूँ कि आपको रूम टेम्परेचर पे सीधा सीधा कनेक्टिविटी पूछा जा सकता है, एट रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कनेक्टिविटी पूछा जा सकता है सीधा सीधा, किसका, हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम का। आपके पास पेपर में टाइम नहीं होगा कैलकुलेट करने का। ओके, तो इसलिए मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको जो कनेक्टिविटी का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो फॉर्मूला जो होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ कनेक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, वो रहता है हमारे पास ni इंटू क्यू ब्रैकेट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स, जिसको आप पूरा भी लिख सकते हो एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। बट हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर n इक्वल टू p रहता है, और जो दोनों किसके इक्वल टू रहता है ni, ni यहाँ पर क्या है, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, ni यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, जैसे मिनट n q म्यू n, ni यहाँ पर है इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब भी लिखा आएगा तो मीन्स की ये वॉल्यूम के साथ डिफाइन है, मीन्स की इसका यूनिट क्या होगा पर मीटर क्यूब, एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई होता है इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। तो इसलिए यहां पर हम एन और पी जो है वो दोनों इक्वल है, दोनों ही एन आई के इक्वल टू, दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया है। यहां पर एन आई क्या है, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल होंगे। ओके, और क्यू इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1/6 × 10 के पावर -19 कूलम, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, म्यू पी द मोबिलिटी ऑफ द होल्स। ओके, यहां पर ये डाटा जो है वो आपको पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा, पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, तो मैं आपको सीधा ही यहां पर कनेक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो सिलिकॉन के लिए आपको इसका पूरा डाटा लिख के आंसर बता देता हूं, आंसर आप यहां से निकाल लेना। ये आपको मैं आपको बताता हूं एन आई का वैल्यू जो रहता है सिलिकॉन में, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो वो होता है 1.5 × 10⁻¹⁰ पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्यू का वैल्यू रहता है वो रहता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये तो सेम है हर बार के लिए, और म्यू एन और म्यू पी का वैल्यू आपको बता दिया गया है। म्यू एन का वैल्यू हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास 1300, और म्यू पी का वैल्यू क्या था सिलिकॉन के लिए 500। ओके, 1300 + 500। ओके, यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर के रिस्पेक्टिव आ रहा है। ओके, वो किसके रिस्पेक्टिव आएगा, सेंटीमीटर के रिस्पेक्टिव आएगा, और कनेक्टिविटी का यूनिट क्या रहता है, कनेक्टिविटी का यूनिट क्या रहता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ टाइम बच्चा भूल जाता है, बच्चे भूल जाते हैं कि कनेक्टिविटी का यूनिट क्या है,
ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाता है, जो उसका यूनिट बेसिक यूनिट जो है वो सीमेंस है, वो सही बोलता है सीमेंस, सीमेंस इज द बेसिक यूनिट ओके, बट वो मोहो और ओम्स के विद रिस्पेक्ट टू होता है, जो भी बोल जाते हैं उनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। आर का फॉर्मूला सभी को याद होगा ओके, नेटवर्क में बताया जाता है आर इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, रो यहां पर क्या है रेजिस्टिविटी है ओके, तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होगी फिर आर ए अपॉन एल ओके, तो मींस आर का जो यूनिट है वो क्या है ओम्स, एरिया का यूनिट है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर ओके, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, मींस की यहां पर आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर मींस की ये किसका यूनिट है रेजिस्टिविटी का, कनेक्टिविटी का यूनिट जो होगा इसका ओपोजिट होगा, कनेक्टिविटी का यूनिट क्या होगा इसका ओपोजिट होगा, मींस की यहां पर आपको याद रखना है ये कनेक्टिविटी का यूनिट होगा वन बाय ओम्स मीटर ओके, इसको आप क्या लिख देते हो वन बाय ओम्स मींस की महो, महो पर मीटर, महो पर मीटर भी लिख देते हो आप इसको, तो ये याद रखना यहां पर जो यूनिट आएगा ये, क्योंकि ये मैंने जब भी डाटा लिया यहां पर वो सेंटीमीटर के टर्म में है, तो यहां पर जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर के टर्म में आएगा ओके, तो आपको ये डाटा जो है वो याद रखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली ओके, ये सब चीजें मे बी देखा जाए तो दैट्स नॉट गुड, बट एग्जाम में पूछा जाएगा इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये डाटा आपको यहां पर जो भी आंसर आएगा यू नीड टू बी रिमाइंड ओके, आपको याद ही रखना पड़ेगा, कनेक्टिविटी है उसके बाद उसका उल्टा ले लीजिए, कनेक्टिविटी जो है उसको उल्टा लेंगे तो क्या आ जाएगा रेजिस्टिविटी, वो भी वो वैल्यू आएगी वो भी यहां पर आपको याद रखनी पड़ेगी, जो भी डाटा है प्लीज यहां पर आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी डाटा आएगा वो आपका आंसर होगा, ये 1.5 इनटू 10 की पावर 10, ये 1.6 इनटू 10 की पावर -19, ये 1300, ये +500 है, सिमिलरली जो मीनिंग के लिए बता देता हूं आपको, जर्मेनियम के लिए भी आपको मैं यहां पर बता देता हूं, जर्मेनियम के लिए क्या होगा वो भी आपको मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं ओके, जर्मेनियम के लिए क्या होगा वो भी डिस्कशन होगा यहां पर, जर्मेनियम के केस में कनेक्टिविटी के लिए फॉर्मूला, कनेक्टिविटी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बिकॉज वो सेम है एन आई इंटू क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी ओके, तो हमारे पास जर्मेनियम के लिए एन आई का वैल्यू होता है 2.5 इंटू 10 की पावर 13, Q का वैल्यू तो वही रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, म्यू वन का वैल्यू जो है वो क्या है 3800 और म्यू पी का वैल्यू क्या है 1800 ओके, यहां पर जो भी आंसर आएगा वो भी आपका किसमें आएगा सीमेंस में, और जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या है महो पर सेंटीमीटर, महो पर सेंटीमीटर, और इसको आपको क्या लिखा जा सकता है ओम्स इनवर्स पर सेंटीमीटर ओके, तो जो भी यूनिट आएगा यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा इनको सॉल्व करने के लिए बस प्लीज यहाँ पर लिख लीजिए, वो आपको याद होना चाहिए, स्टेट फॉरवर्ड आंसर पूछा जाएगा आपको, पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब कुछ पुट करके आंसर निकालिए ओके, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर ये क्लासेस का मतलब भी यही है कि जो भी फैक्चुअल चीजें जो आपको पूछा जा सकता है वो हमें बताना है आपको, यहाँ पर रूम टेम्परेचर टी इक्वल टू 300 केल्विन पे कनेक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इतना होगा जो भी आंसर आएगा यहाँ पर ठीक है, जो हमारे पास कनेक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इतना आंसर आएगा जो यहाँ पर होगा, और उसका यूनिट क्या होगा पर सेंटीमीटर होगा ओम पर सेंटीमीटर, तो प्लीज इसको सेंटीमीटर के बाद मीटर भी चेंज कर लीजिए, जो भी आंसर होगा वो प्लीज यहां पर, अगर आपको कोई डाउट है इसके आंसर में प्लीज नीचे जो है कमेंट्स में आंसर दे देना आप, जो भी अगर किसी का जो रॉन्ग होगा वो मैं आपको करेक्ट करा दूंगा वहां पर ठीक है, सो आप कमेंट्स में यहां पर इसका आंसर दे सकते हो ओके, सो सिमिलरली जब कनेक्टिविटी निकाल लिया तो आपको रेजिस्टिविटी निकाल के आंसर कर देना, तो रेजिस्टिविटी और कनेक्टिविटी सीधा सीधा आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है, जो है वो हमारे पास टॉपिक जो है वो है डॉपिंग, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम बढ़ते हैं अभी डॉपिंग के बारे में, डॉपिंग बारे बिफोर गोइंग टू डॉपिंग जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो भी हम जान लेते हैं हमारे पास क्या रहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है देखा हमने कनेक्टिविटी जो था सेमी कनेक्टर्स का, कनेक्टिविटी जो है सेमी कनेक्टर का, कनेक्टिविटी ऑफ सेमी कनेक्टर हमने देखा वो इक्वल टू था एन आई इंटू क्यू म्यू एन प्लस म्यूपी म्यू एन इंटू म्यूपी ओके, सो जहां से हमारे पास जो मालूम हो रहा है कनेक्टिविटी जो है वो किस पे लाइक कर रहा है म्यू एन और म्यूपी और एन आई पे ओके, बट जो एन आई जो होता है हमारे पास इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, एन आई इज इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन जो है हमारे पास देखिए अभी जो इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन है इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन जो है वो किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन और होल का कंसेंट्रेशन देते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल का कंसेंट्रेशन क्या होगा उसका वैल्यू जो होगा वो एनआई से हमें
मालूम होगा। एनए जो होता है उसके दो चीजें जो हुआ है यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। एनए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की पावर 3/2 होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 3/2 होता है जो इसका मेन हमारे पास रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। ओके मींस की एनआई जो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनआई का वैल्यू लार्ज अमाउंट से इंक्रीज करेगा। आपको ये याद रखना है बस। और ये कैसे इंक्रीज कर रहा है? नॉन लीनियरली। ये कैसे इंक्रीज करेगा? नॉन लीनियरली। ओके नॉन लीनियरली। ओके एनआई का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनआई जो है वो इंक्रीज करेगा। और कैसे कर रहा है? नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। और सेकेंड थिंग यहां से एनआई के बारे में जो सेकंड पॉइंट है वो है एनआई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सपोनेंशियल की पावर ई की पावर माइनस ई जी बाय सम कांस्टेंट एक्स। ओके दैट कांस्टेंट उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको। बस रिलेशन आपको बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनआई का वैल्यू क्या बढ़ेगा? एनआई का वैल्यू इंक्रीज होगा नॉन लीनियरली। बहुत लार्ज अमाउंट से एनआई का वैल्यू इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। मींस की जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एनआई का वैल्यू बढ़ेगा। मींस की इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल में इंक्रीज होगा। दूसरा जो है वो इसका रिलेशन एनर्जी गैप के साथ है। ये ई की पावर माइनस एक्स है। ई की पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है? ई की पावर माइनस एक्स को जब भी हम प्लॉट करते हैं एक्स के साथ तो हमेशा याद रखिए ये ग्राफ एक्स इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। उसके बाद हमेशा ये डिक्रीज होगा। जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होगा e की पावर माइनस x का वैल्यू डिक्रीज होगा। सिमिलरली जैसे जैसे एनर्जी गैप का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ni का वैल्यू हमारे पास कम होगा। मींस कि यहां से आपके पास क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनमें से कौन से दिए गए एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा वैल्यू होगा ni का, इनमें से कौन से दिए गए मटेरियल का सबसे ज्यादा वैल्यू होगा ni का। तो आप आंसर कर सकते हो यहां पर, बहुत इजीली आंसर कर सकते हो यहां पर। देखिए हमने अगर मैंने आपको बोला था एनर्जी गैप तो आपको याद रखना पड़ेंगे। अब एनर्जी गैप जो था वो जर्मेनियम का सबसे कम था, उससे ज्यादा हमारे पास एनर्जी गैप किसका था? सिलिकॉन था। और उससे ज्यादा हमारे पास एनर्जी गैप किसका था? गैलियम आर्सेनाइड का। यहां पर आएगा गैलियम आर्सेनाइड का। मींस की जो एनआई का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगा किस केस में? क्योंकि जिसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है उसका एनआई का वैल्यू सबसे कम होगा। मींस की जर्मेनियम का सबसे ज्यादा होगा एनए का वैल्यू, उससे कम होगा सिलिकॉन का, और एनए का वैल्यू उससे सबसे कम होगा गैलियम आर्सेनाइड का। ये सीधा सीधा रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनए के वैल्यू के लिए आपको सीधा सीधा पेपर पूछा जा सकता है कि जो तीन ही मटेरियल के लिए होगा जर्मेनियम सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड का। जर्मेनियम में एनए का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है और सिलिकॉन में एनए का वैल्यू उससे कम और सबसे कम होता है गैलियम आर्सेनाइड में, जो कि सबसे बच्चों को सबसे ज्यादा उल्टा लगता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उनको लगता है गैलियम आर्सेनाइड का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो बेस्ट है। ओके बट ऐसा नहीं, जर्मेनियम का सबसे ज्यादा होता है और कनेक्टिविटी भी जर्मेनियम की ज्यादा होती है। अगर एडवांटेज की बात की जाए जर्मेनियम की सिलिकॉन पे तो उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, बट जो सिलिकॉन का एडवांटेज है ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ द सिलिकॉन मींस कि जो बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू में पाया जाता है अर्थ में, इसलिए उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये उनका मेन रीजन है उसको प्रेफर करने का। ओके बट कनेक्टिविटी जो हमने कनेक्टिविटी के फॉर्मूले से आंसर निकाला होगा आपने, वहां से आपको मालूम हो जाएगा जो कनेक्टिविटी थी जर्मेनियम की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द कनेक्टिविटी ऑफ द सिलिकॉन। उसका रीजन भी यही है, एनए का वैल्यू हमारे पास जर्मेनियम का ज्यादा है ओके और सिलिकॉन का कम है। ओके और एनर्जी गैप भी किसका कम है? जर्मेनियम का। जिसका कम होगा एनर्जी गैप उसका कनेक्टिविटी ज्यादा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको। ओके सो यहां से हमेशा आपको याद रखना है कि टेम्परेचर अभी हमारे पास इंक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनआई का वैल्यू इंक्रीज होगा। एनआई का वैल्यू इंक्रीज होगा बहुत लार्ज वैल्यू से एनआई का वैल्यू इंक्रीज होता है। मोबिलिटी डिक्रीज होता है आई नो दैट, बट मोबिलिटी जो होता है वो बहुत स्मॉल वैल्यू से डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू दिस इंक्रीज। जो एनआई जो है वो उतनी लार्ज वैल्यू से इंक्रीज होगा क्योंकि एनआई जो है वो टेम्परेचर की पावर 3/2 से रिलेशन है उसका। तो मोबिलिटी जो डिक्रीज होगा यस, बट ओवरऑल जो है कनेक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज होगी। कनेक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होगी और हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो होगी डिक्रीज। किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज होता है तो उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स रहते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स रहते हैं हमारे पास। जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल रहता है, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके तो नेक्स्ट जो है मींस की हमारे पास
आगे बढ़ने का टाइम है। अभी देखिए दो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो उनका टेम्परेचर कॉफिशियंट जीरो भी होता है, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल जैसे हमने मेटल जो था वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट था, जो जो सेमी कंडक्टर्स है उनका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट है, बट कुछ मटेरियल जिनका जीरो जीरो भी होता है, जीरो टेम्परेचर कॉफिशियंट भी होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें आपको डिस्कशन हो जाएगा। अब जो है वो है डॉपिंग। डॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डॉपिंग जो है, डॉपिंग आपने ये एक सिंपल लैंग्वेज, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, ये सभी को मालूम होगा, बट मैं क्या कहना चाहूंगा, डॉपिंग एक सिंपल से वर्ड से जो इसका डेफिनेशन है इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन करोगे वही इसका डेफिनेशन यहां पर भी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन द सेमी कनेक्टर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी into the semiconductor. It is the process of adding impurity into the semiconductor. ऐसा क्यों? Adding impurities add करने का मतलब क्या है? इसका basically इसका meaning जो है, हम semiconductor की connectivity को control कर सकते हैं। Doping करके क्या कर सकते हैं? Semiconductor की connectivity को control किया जा सकता है। कनेक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर कैन बी कंट्रोल यूजिंग डॉपिंग। ओके, कनेक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग डॉपिंग। ओके, बाय यूजिंग डॉपिंग। डॉपिंग यूज करके हम उनकी कनेक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा डॉपिंग करेंगे कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, कनेक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी, डॉपिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी। ओके, सो हम डॉपिंग को चेंज करके कनेक्टिविटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो जो डॉपिंग लेवल होता है वो कितना होता है वो हम देख लेते हैं अभी। जो डॉपिंग कंसंट्रेशन जो होता है वो हम बता देते हैं। तीन तरह के डॉपिंग कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं पेपर में, आपको याद रखना है। डॉपिंग कंसंट्रेशन यूज करते हैं हमारे पास, प्लीज सभी यहां पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कनेक्टिविटी जो डोपिंग जो है, डोपिंग लेवल क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे लो लेवल डोपिंग में हमारे पास हम 1:10^11 करते हैं, 1:10^11। इसका मतलब क्या है कि एक एटम होगा इंप्योरिटी का, उसमें 10^11 एटम्स होंगे, 10^11 एटम्स होंगे किसके, सिलिकॉन के, प्योर के, प्योर सेमीकंडक्टर के एटम्स होंगे 10^11 और एक एटम होगा उसमें इंप्योरिटी का। तो उस केस में हम बोलेंगे लो लेवल डोपिंग। दूसरा है हमारे पास मॉडरेट लेवल डोपिंग जो होता है, मीडियम लेवल, वो रहता है हमारे पास 1:10^8 मीन्स यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, दिस इज वन एटम ऑफ इंप्योरिटी इन 10^11 एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर ओके, सिमिलरली यहां पर 1 atom of impurity in 10^8 atoms of pure semiconductor. Okay, next जो है थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड जो है हाई लेवल डॉपिंग ये हमारे पास होता है 1:10^3 हाई लेवल डोपिंग होता है 1:10^3 दिस इज वन एटम इन 1000 एटम्स ऑफ प्योर सिलिकॉन मीन्स की प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, मीन्स की 1000 एटम्स होंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, उसमें एक ही एटम होगा इंप्योरिटी का। ये आपको डोपिंग के बारे में याद रखना है, कितनी डोपिंग हम कब करते हैं। जब हम हाई लेवल डोपिंग करते हैं तब हम सेमीकंडक्टर में लिख लेते हैं P+N+। यहां पर प्लस लिखने का मतलब है हाई डोपिंग। ओके, जब लो लेवल डोपिंग करते हैं तो यहां हम लिख देते हैं P-N-, लिखने का मतलब लो लेवल डोपिंग। ओके, अब देखिए डोपिंग करने के बाद हमारे पास
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक्सट्रिंसिक मीन्स की इंप्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, उसमें दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये दो तरह के हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेंगे जब हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। माफी चाहते हैं, अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होगा, एन का कंसेंट्रेशन, जो इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन है वो लार्ज होगा एज कम्पेयर टू द होल कंसेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इज लार्ज एज कम्पेयर टू द होल कंसेंट्रेशन, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजोरिटी, मेजोरिटी, ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और जो होल्स का कंसेंट्रेशन है वो कम है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज करिए कंसेंट्रेशन, माइनॉरिटी चार्ज करिए कंसेंट्रेशन। सिमिलरली जब यहां पर बात करेंगे तो पी टाइप में हमारे पास क्या होता है कि जो पी टाइप में हमारे पास होल कंसेंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, होल कंसेंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, इसलिए होल्स हमारे पास यहां पर क्या होंगे, मेजोरिटी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब इसके पीछे वह वो पूछा जा सकता है कि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, होल का कंसेंट्रेशन कम है, ऐसा क्यों है, उसके लिए उसका पीछे रीजन है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इस केस में जो ऐसा होने का रीजन जो होता है वो बॉन्डिंग होता है। क्लास में हमें पढ़ा गई है बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग क्या होती है आपको क्लास में पढ़ाया गया है, तो आपको भी यहाँ पर भी याद रखना है। यहाँ पर इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है डोनर लेवल आयोनाइजेशन, जब भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है आपसे पूछा जा सकता है वाई इन एंटी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन द होल कंसेंट्रेशन। ओके, सो उसका रीजन है डोनर लेवल आयोनाइजेशन, डोनर लेवल आयोनाइजेशन, डोनर लेवल आयोनाइजेशन। और हमारे पास सिंपली अगर आपको ऑप्शन में डोनर लेवल आयोनाइजेशन नहीं दिखे, डोनर लेवल आयोनाइजेशन नहीं दिखे, तो आपको दूसरा जो है वो है दिखेगा ऑप्शन में रिकम्बिनेशन, जो पहले दिख गया अगर आपको दोनों ही आ जाए तो आपके लिए आंसर होगा डोनर लेवल आयोनाइजेशन। अगर आपको डोनर लेवल आयोनाइजेशन ऑप्शन में नहीं है कहीं पर भी, तो आपको कौन सा लगाना है, रिकम्बिनेशन। ओके, यहां पर एक ही चांसेस है वो है बॉन्डिंग के। ओके, ये आपको याद रखना है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है और पी टाइप में होल का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो है वो क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास कि एंटी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम कौन सी तरह के इंप्योरिटी यूज करते हैं। हम यूज करते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का प्रयोग किया जाता है जब हम किसका सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो होती है वो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स आती है। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट मीन्स कि इनके पास फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके पास फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स कि इनके आउटर मोस्ट शेल में पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल के प्योर सेमीकंडक्टर में जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली जाएगी तो हमारे पास वो क्या बनाएंगे, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। और जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो होती है उसमें से आपके पास होगा फॉस्फोरस, ओके फॉस्फोरस, हमारे पास होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक हमारे पास क्या होता है एंटीमोनी, और हमारे पास क्या होता है बिस्मुथ, बिस्मुथ। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, ये चार ऑप्शंस है जो कि मैंने आपको बताया है पेंटावेलेंट। बाकी जो भी फिफ्थ ग्रुप में एलिमेंट्स है हम यूज कर सकते हैं, और चारों में से जो सबसे बेस्ट है, सभी में से जितने भी है सबसे जो बेस्ट है वो है फॉस्फोरस। अगर आपको चारों ही ऑप्शन में होंगे, चारों ही सही है, पर आपको तो एक ही सिलेक्ट करना है, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, फॉस्फोरस, हमेशा याद रखिए। यहां पर वापस इधर आते हैं, अभी पी टाइप में, पी टाइप बनाने के लिए हमारे पास हम यूज करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मींस की ऐसी इंप्योरिटी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहां पर, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहां पर, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मींस की थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट डाल के यहां पर आप बना सकते हो। और इनमें से जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, बोरॉन, बी इंडियम, सी गैलियम, डी एल्यूमिनियम। ओके,
डी एल्यूमिनियम। ओके, ये सभी में से जो सबसे बेस्ट है वो है हमारे पास बोरॉन, और बेस्ट ही आपको लगाना होता है आंसर में। ये चारों ही सही है, वी कैन यूज एनी ऑफ देम। ओके, इनमें से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है, बट हमारे पास जो बेस्ट है वो है बोरॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो चलता रहेगा। यहां एन टाइप चल रहा है, ओके, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां पे चल रहा है। तो हमने अभी तक देखा कि हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल के एन टाइप बना सकते हैं और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल के पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, अब देखिए पहले जब प्योर सेमीकंडक्टर था तो उसमें दो बैंड थे, एक कनेक्शन बैंड था जिसमें हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। ओके, जस्ट अ मिनट, और दूसरा था हमारे पास वैलेंस बैंड जिसमें हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन थे। तो ये था प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास एक साइड पे ऊपर कनेक्शन बैंड था, नीचे था वैलेंस बैंड था। अब क्या होगा जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली जाएगी, यहां पर मैं बता देता हूं ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बट जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली जाएगी तो क्या होगा कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या है, कि हमारे पास जो हमने इंप्योरिटी डाली है उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बट बाकी जो है जो सिलिकन है उनके पास 4 है। ओके, तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन है पेंटावेलेंट में जो हमने डाला है, तो उसमें तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो सिलिकन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, पर उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये सब कुछ हमने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। और उस केस में हमारे पास एक यहां पर नया एनर्जी लेवल बनता है, डिस्क्रीट होता है वो। डिस्क्रीट का मतलब वो कंटिन्यू नहीं रहेगा यहां पर, डिस्क्रीट का मतलब है वो हमारे पास कंटिन्यू नहीं रहेगा यहां पर, जस्ट अ मिनट। सो यहां पर ये डिस्क्रीट होगा। ओके, ब्लू से चलने देते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक नया एनर्जी लेवल बनेगा जिसको हम लिखते हैं EDC, इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। और ये डोनर एनर्जी लेवल पे वो वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे अभी जो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के 5 इलेक्ट्रॉन है, चारों में से 4 इलेक्ट्रॉन जो थे उनमें से उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के एटम के साथ। पर जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर नहीं होगा, वो कहां पर होगा, वो हमारे पास होगा डोनर एनर्जी लेवल पे। जितने भी 5वें इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास कनेक्शन बैंड के नीचे रहेंगे, कहां पर, डोनर एनर्जी लेवल पे। ये कहां पर होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, T = 0 केल्विन, T = 0 केल्विन। जब टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा T = 0 केल्विन। ओके, जब टेम्परेचर क्या रहेगा, T = 0 केल्विन, मींस की T = 0 केल्विन पे जहां तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जहां तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास डोनर एनर्जी लेवल पे होगा, तो मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है यहां पर, तो मींस की 0 केल्विन पे यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होगा वो कहां पर होगा, कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए हमारे पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर भी 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव किया जाता है। इसको क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, बट यहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको एनर्जी लेवल बैंड डायग्राम पूछा जा सकता है सीधा सीधा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी लेवल बैंड जो डायग्राम है वो कैसे दिखता है, वो यहां पर ऐसे दिखता है। आपको याद रखना, जब भी हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, जब भी हम फॉस्फोरस आर्सेनिक बिस्मिथ या एंटीमोनी इनमें से कोई डालेंगे किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो एक नया एनर्जी लेवल बनेगा। वो कहां पर बनेगा, वही पेपर में पूछा जाएगा। वो बनेगा जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। वो अभी मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि वैलेंस बैंड में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, कनेक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये नया एनर्जी लेवल जो बना है जस्ट बिलो द कनेक्शन बैंड, वो क्या शो कर रहा है, वो शो करेगा वो 5वां इलेक्ट्रॉन जो किसी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में नहीं है। वो 5वां इलेक्ट्रॉन किसका है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का। जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली गई है उसका 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर आएगा। ओके, बाद में रूम टेम्परेचर पे क्या होगा वो सब कुछ आपको क्लास में एक्सप्लेन किया गया है, बट यहां पर आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर की
यहां पर हमारे पास यहां पर कनेक्शन मैन है, यहां पर हमारे पास वैलेंस मैन है, यहां पर भी ठीक है। तो जब भी हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे कहां पर, प्योर सेमीकंडक्टर्स में, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, तो यहां पर एक नया एनर्जी लेवल बनेगा, नया एनर्जी लेवल बनेगा। वो कहां बनेगा वो आपसे पूछा जाएगा, वो बनेगा हमारे पास जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, इसको हम बोलते हैं ईए से लिखते हैं, और ये होता है हमारे पास एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये हमारे पास रहता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अगर पूछा जाएगा सीधा सा कहां बनेगा, जस्ट बिलो, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। लोअर एनर्जी लेवल कहां बनेगा, जस्ट बिलो द कनेक्शन मैन। लोअर एनर्जी लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पांचवा इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, वो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है इसका पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का, वो कहां पर होगा, डोनर एनर्जी लेवल पे। यहां पर जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इनकम्प्लीट बॉन्ड, इनकम्प्लीट बॉन्ड। जो इनकम्प्लीट बॉन्ड होगा, जो इनकम्प्लीट बॉन्ड होगा, जब हमने जो ट्राइवेलेंट प्योरिटी डालने के बाद जो इनकम्प्लीट बॉन्ड्स होंगे वो हमारे पास कहां पर होंगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे होंगे। ये आपको यहां पर जानने की जरूरत है, मैंने आपको बता दिया है, यही हमारे पास यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमारे पास जो है जब एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, वो सब आपको बता दिया गया है। एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं, आप साथ साथ में बोलते रहिए। आपको अपने जहां पर भी अपने रूम पे बैठे हैं, जो भी यहां पर भी है, साथ साथ में इसके साथ रिवाइज करते रहिए। अब जब एन टाइप बनाना है तो हमें पेंटावेलन इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी। पेंटावेलन इंप्योरिटी में हमारे पास कौन कौन सा है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ है हमारे पास, और क्या था, एंटीमोनी था। और जब हमें पी टाइप बनाना था तो हमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालनी थी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने का मतलब हमें क्या डालना है, बोरॉन डालना है, इंडियम डालना, गैलियम डालना है, एल्युमिनियम डालना है, इनमें से कोई एक डालना है। ओके, तो सबसे बेस्ट कौन सा, यहां पे बोरॉन है। और उसके बाद हमने क्या बताया कि एन टाइप में एन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है पी से, उसका रीजन क्या था, डोनर लेवल आयोनाइजेशन। अगर डोनर लेवल आयोनाइजेशन आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो आपको रिकॉम्बिनेशन लगाना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होता है कि ये होल का कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन के कंसेंट्रेशन से ज्यादा होता है, उसका रीजन था बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या है, ये सब कुछ क्लासेस में जाने की जरूरत थी, बट यहां पर क्विक रिवीजन में आपको जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम हमारे पास क्या करेंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे कहां पर, प्योर सेमीकंडक्टर में, तब क्या होगा, तब एक नया एनर्जी लेवल बनेगा, कहां बनेगा, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो एक नया एनर्जी लेवल बनेगा, कहां बनेगा, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। ये सब आपको बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पर देखिए, हमारे पास क्या होगा, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर को शो कैसे करेंगे, अभी उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो आपको बता देते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या होता है, कोई भी एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसके अंदर क्या क्या होगा वो आपको बता रहा हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होंगे हमारे पास वो बोले पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के आयन, जिन्होंने अपना पांचवा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन, तो यहां पर होंगे पॉजिटिव आयंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोनर आयंस। ये हमारे पास क्या होंगे, डोनर आयंस, ये डोनर आयंस रहते हैं हमारे पास, और साथ में क्या आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ होल्स भी होंगे जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में आएंगे। हमारे पास डोनर आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेजॉरिटी है, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, एन से इलेक्ट्रॉन्स कंसेंट्रेशन। हमारे पास होल्स होंगे जो कि हमारे पास क्या है, माइनॉरिटीज है, जिसको हम क्या कर शो कर रहे हैं, पी से होल कंसेंट्रेशन, और साथ में क्या आया है, डोनर आयंस और इंप्योरिटीज आयन। डोनर आयंस जो है वो किससे शो कर रहे हैं, ये सर्कल से, मींस कि ये मूव नहीं कर सकते बिकॉज ये आयंस है। डोनर आयंस को हम किससे शो करेंगे, एन डी से। एन डी इज अ डोनर आयन कंसेंट्रेशन, एन इज अ इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, पी इज अ होल कंसेंट्रेशन। सिमिलरली हमारे पास जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को शो करेंगे, यहां पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को शो कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास, एक्सेप्टर आयंस।
वो वाले आयन जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनकम्प्लीट बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया है, उसके साथ साथ में क्या आएगा, एक होल आएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी आएंगे। मीन्स की क्या होंगे, यहाँ पर होल्स होंगे। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको सर्कल में बताता हूँ, ये सर्कल में जो है नेगेटिव वो है एक्सेप्टर आयन, मीन्स की नेगेटिव आयन्स। एक्सेप्टर आयन्स कौन से होंगे, नेगेटिव आयन्स, एक्सेप्टर आयन्स। सो पी एंड पी सेमीकंडक्टर में हमारे पास होल्स होंगे जो कि हमारे पास क्या होंगे, मेजोरिटी होंगे। पी से हम शो करेंगे होल कंसंट्रेशन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि यहां पर क्या होंगे, माइनॉरिटी होंगे। एम से हम शो करेंगे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और हमारे पास एक्सेप्टर आयंस होंगे, एक्सेप्टर आयंस रहेंगे हमारे पास, क्या रहेंगे, एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर आयंस। एक्सेप्टर आयंस को हम किसे शो करेंगे, एन ए से, एन ए से। एक चीज जो जहां बताता हूं अगर किसी को डाउट है अभी यहां पर, कि ये जो है हमारे पास इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये डोनर एनर्जी लेवल और कनेक्शन मैन के बीच में जो गैप होता है, इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी गैप। क्या बोलेंगे इसको, डोनर एनर्जी गैप। यहां पर जो गैप होगा वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच में, उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टर एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो होगा डोनर एनर्जी गैप। अब इसका वैल्यू जो होता है वो दोनों के केस में सेम रहता है, वो रहेगा हमारे पास 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द केस ऑफ जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन। सेम यहां पर भी रहेगा, सेम यहां पर भी रहेगा, तो वहां भी लिख लेना आप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सिलिकॉन केस। ओके, ये आपको यहां पर याद रखना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सिलिकॉन। डोनर एनर्जी गैप, एक्सेप्टर एनर्जी गैप, और ये टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट रहेगा, ये टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, यहां पर मास एक्शन लॉ, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, मास एक्शन लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, मास एक्शन लॉ। ओके, सबसे पहले कोई भी लॉ जब हम पढ़ते हैं, कोई भी लॉ हम पढ़ते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली जनरली सारे के सारे लॉ अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम ही डिफाइन होते हैं। तो ये भी कहां पर है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स की कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही ये डिफाइन होगा। ये क्या कहता है, मास एक्शन लॉ, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और जो होल के कंसंट्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल के कंसंट्रेशन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाएगा, तो वो इक्वल टू आएगा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। एन डॉट पी करेंगे इक्वल टू क्या आएगा, एन आई स्क्वायर के, एन आई स्क्वायर से, एन आई स्क्वायर से। एन आई क्या है, यहां पर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। और अच्छी बात यह है कि ये लॉ जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों के लिए ही डिफाइन है, बट कब डिफाइन है, जब अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, जब अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, मींस की थर्मल इक्विलिब्रियम मींस की कांस्टेंट टेंपरेचर होगा। सिमिलरली जैसे ओम्स लॉ वैलिड है हमारे पास टेंपरेचर कांस्टेंट पे, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ni स्क्वायर का इक्वल आएगा। ये सब चीजें तो आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ट्रू लग रही होंगी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होंगी। आपको बताया भी गया था कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो होता था वो होल की कंसंट्रेशन के इक्वल टू ही रहता था, बट और दोनों ही किसके इक्वल टू रहते थे, ni के इक्वल रहता था, n इक्वल टू p इक्वल टू ni, n इक्वल टू p इक्वल टू ni होता था। तो इस केस में अगर आप n * p कर दोगे तो ni * ni हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ni स्क्वायर। तो यहां पर तो आपको लगेगा ये हां ठीक है, इट्स ओके फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो के आगे, एक तो आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा आ गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसको बनाने के लिए हमने ट्राइवेलेंट डोपिंग डाली थी, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने पेंटावेलेंट डोपिंग डाली थी। जब पेंटावेलेंट डोपिंग डाली थी तो एक नया एनर्जी लेवल बन गया था जस्ट बिलो द कनेक्शन बैंड, जब ट्राइवेलेंट डोपिंग डाली थी एक नया एनर्जी लेवल बन गया था जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। ओके, तो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता था होल के कंसंट्रेशन से, और जब यहां पढ़ा आपने वहां पर यह पढ़ा कि होल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता था इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन।
कंडीशन से, ओके। तो ये दोनों चीजें आपने पढ़ी वहां पर, ओके। बट हम भी हम क्या कह रहे हैं कि जब एन डॉट पी करेंगे, मीन्स की इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप, होल्स इन द एन टाइप, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, एन नाइन स्क्वायर। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, एन नाइन स्क्वायर। यहां पर भी हमारे पास जब हम प्रोडक्ट करेंगे होल का कंसेंट्रेशन द पी टाइप और इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन इन द पी टाइप, ओके। होल का कंसेंट्रेशन इन पी टाइप और इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन इन पी टाइप, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, एन नाइन स्क्वायर। दोनों का आंसर प्रोडक्ट करके एन नाइन स्क्वायर आना चाहिए। ये मास एक्शन लॉ कहता है, हमने नहीं बोला, इसने मास एक्शन लॉ ने बोला है, तो मीन्स की सही बोला होगा उसने। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझने की बात यह है कि वो क्या कहना चाहती है, बिकॉज एन का तो कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया गया, ओके। तो मीन्स अगर एन का कंसेंट्रेशन ये कब ट्रू रहेगा, अगर हमने डोपिंग की, जब हमने पेंटावेलेंट डोपिंग डाली सेमीकंडक्टर में, तो अगर n का कंसेंट्रेशन 10 की पावर 8 से बढ़ गया, मान लीजिए 10 की पावर 8, यहां पर कोई वो नहीं है कि फिक्स वैल्यू नहीं है, 10 की पावर 8 से बढ़ गया, तो हमारे पास होल का कंसेंट्रेशन 10 की पावर 8 से पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब के विद रिस्पेक्ट टू ही होगा हमेशा, ये भी पर मीटर क्यूब के विद रिस्पेक्ट टू ही होगा हमेशा, उससे डिक्रीज होगा। मींस कि अगर आप दोनों का प्रोडक्ट एन आई स्क्वायर के इक्वल टू रखना है, बिकॉज एन आई स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एनआई जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, और टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है ये मास एक्शन लॉ में। तो हमारे पास जब हम कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन जिस वैल्यू से बढ़ेगा उसी वैल्यू से होल का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा जब हम ट्राई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, ओके। ये मास एक्शन लॉ बोलता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावेलेंट डोपिंग डाल के एन टाइप बनाएंगे तो जिस वैल्यू से एन बढ़ेगा उसी वैल्यू से पी भी डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी जी हमारे पास कॉन्स्टेंट के इक्वल टू है, और ये कॉन्स्टेंट तभी रहेगा जब हमने ट्राइवेलेंट डोपिंग डाली होगी तो जिस वैल्यू से होल का कंसेंट्रेशन बढ़ा है उस वैल्यू से इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन भी हमारे पास डिक्रीज होना चाहिए, उस वैल्यू से होल का कंसेंट्रेशन भी हमारे पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। जिस वैल्यू से होल का कंसेंट्रेशन बढ़ा है उस वैल्यू से इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिए मास एक्शन लॉ का एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में मीनिंग, ओके। जिसको नहीं समझ आया फिर से रिवाइज कर लेना वीडियो को, जितनी बार मर्जी आगे पीछे करके देखो, ओके। सो आफ्टर दैट हमारे पास यहां से एक और चीज आपको याद रखनी होती है, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ में जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैं आपको बता देता हूं कुछ पॉइंट्स आपको और याद रखने होते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ होल्स प्लस डोनर आयन कंसेंट्रेशन। ये हमारे पास आपको याद रखना है, ये सब कुछ आता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ओके, जो कि आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया होगा, बट उसके लिए आपको यहां पर जो मेन पॉइंट्स है वही आपको याद करने हैं। बट इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होता है होल के कंसेंट्रेशन से, तो इसलिए हम उसको पी को निगलेक्ट कर देते हैं और एन इक्वल टू क्या लिख देते हैं, एन डी। मीन्स की कहने का मतलब क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन होगा वो डोनर आयन कंसेंट्रेशन के इक्वल रहेगा, ये आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। मीन्स कहने का मतलब जैसे जैसे आप इंप्योरिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालोगे वैसे वैसे एन का वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा। एंड फ्रॉम मास एक्शन लॉ में हमने पढ़ा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन इन एन टाइप और होल का कंसेंट्रेशन इन एन टाइप को प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा एन नाइन स्क्वायर के, इक्वल टू आ जाएगा किसके, एन नाइन स्क्वायर के, ओके, इक्वल टू एन नाइन स्क्वायर, ओके। ये हमने पढ़ा वहां पर, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इन एन टाइप मल्टीप्लाई विद होल कंसेंट्रेशन इन एन टाइप, ये हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद किसके इक्वल टू आ जाएगा, हमारे पास एन नाइन स्क्वायर के, ओके। सो हमारे पास ये एन आई स्क्वायर के इक्वल टू आ जाएगा, मीन्स ये कहने का होल का कंसेंट्रेशन इन एन टाइप किसके इक्वल टू होगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन। मीन्स कहने का मतलब है हम क्या ले सकते हैं, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। मीन्स की होल का कंसेंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डोनर आयन कंसेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप पेंटावेलेंट एटम्स की इंप्योरिटी बढ़ाएंगे
तो आपका होल का कंसेंट्रेशन घटता जाएगा, जो कि मास एक्शन लॉ ने आपको पहले से ही बता दिया था। ओके, मींस कि आप जैसे जैसे पेंटावेलेंट डोपिंग डालेंगे, जैसे जैसे आप फॉस्फोरस की मात्रा डालते रहेंगे सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और होल का कंसेंट्रेशन क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो आपको याद रखना है इन एंड एट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और डोनर आयन इंप्योरिटी, और होल कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनर आयन इंप्योरिटी और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और डोपिंग कंसेंट्रेशन। कुछ भी आ सकता है पेपर में, डोपिंग कंसेंट्रेशन, डोपिंग कंसेंट्रेशन, इंप्योरिटी कंसेंट्रेशन और डोनर लेवल इंप्योरिटी कंसेंट्रेशन, ये दोनों फॉर्मुले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से बना जा सकता है। ओके, ये एन सब एन ही है यहां पर। ओके, तो ऐसा ही ट्रू रहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में, ऐसा भी बिल्कुल ट्रू रहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस के लिए भी। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस के लिए भी ये हमारे पास क्या रहता है, ट्रू रहता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने जो जो पी मींस की होल कंसेंट्रेशन इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर वो इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर प्लस एक्सेप्टर आयन कंसेंट्रेशन एन ए का वैल्यू बढ़ाते रहोगे, एक्सेप्टर आयन कंसेंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज करेगा जो मींस की एन पी है, इलेक्ट्रॉन सा यहां पर वो डिक्रीज होते रहेंगे। मींस कहने का मतलब क्या है, यहां से एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस निकली है, दो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन जो होते हैं, मैं आपको बता देता हूं यहां पर दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मेजोरिटी चार्ज के कंसंट्रेशन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंप्योरिटी कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंप्योरिटी और डोपिंग कंसंट्रेशन, और सेकेंड पॉइंट जो बी पॉइंट आपको याद रखना है, ये हमारे पास क्या होगा बी पॉइंट में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजोरिटी चार्ज कंसेंट्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ये सब चीजें आपको क्लास में बता दिया गया है, अभी जो भी है वो आपको सब चीजें याद रखनी है। यहाँ पर क्यों होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वो आपको क्लास में डिस्कशन हो चुका है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये आपको अभी याद रखना है बिकॉज दिस इज अ क्विक रिविजन क्लासेस। ओके, नेक्स्ट वन जो है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो होती है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट में आपको देखना है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंप्योरिटी और डोपिंग कंसंट्रेशन, ओके, एंड बी इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये इंक्रीज करता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आपको यहां से बहुत ही बेसिकली क्लियर रहना है। जैसे जैसे आप पेंटावेलेंट डोपिंग ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, होल का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो होल का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहां से डोपिंग करने के बाद मोबिलिटी पे क्या असर होगा,
ओके, डॉपिंग करने के बाद मोबिलिटी पे क्या असर होगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। डॉपिंग करने के बाद जैसे कि हम जो है यहाँ पर मोबिलिटी जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, मोबिलिटी जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स की अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मीन्स की हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पी टाइप है तो होल कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम होल्स की बात करेंगे, तो मीन्स की हम मोबिलिटी ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर बात कर रहे हैं। जो मोबिलिटी होता मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो डिक्रीज होती है जैसे डॉपिंग बढ़ाएंगे। ये एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, यहाँ पर आप खुद सोचिए जैसे जैसे डॉपिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ड्रॉपिंग बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो उनका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हम डॉपिंग बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, जैसे हम पेंटागन डॉपिंग डालते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उनकी मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। तो जो मोबिलिटी होती है मेजोरिटी चार्ज कैरियर की ही बात करेंगे, बस मोबिलिटी ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो डिक्रीज होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन डॉपिंग डॉपिंग बढ़ाएंगे तो वो मोबिलिटी जो होगी वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे सभी को, ये सब चीजें जो है वो मेन है जहां से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस है एग्जाम में, वो हमारे लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहां से जो कंडक्टिविटी होती है एन टाइप के लिए उसका फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है, बिकॉज एन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है होल की कंसंट्रेशन से, तो हम होल्स वाली कनेक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं। कनेक्टिविटी ऑफ एन टाइप जो होगा वो होता है एन क्यू इंटू म्यू एन, मीन्स की सिर्फ किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एन का वैल्यू एन डी के इक्वल टू होता है, इसलिए यहां पर लिख देते हैं एन डी क्यू म्यू एन। ओके, और हमारे पास जो है कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, कनेक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, बिकॉज पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है एन के कंसंट्रेशन से, इसलिए हम इसका कनेक्टिविटी ऑफ पी टाइप को हम लिख देते हैं पी क्यू म्यू पी, जिसको हम क्या लिख देते हैं बाद में, तो पी का वैल्यू एन ए के इक्वल टू होता है यहां पर, तो एन ए क्यू इंटू म्यू पी। ओके, वैसे तो दोनों ही आएंगे बट पी का वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए एन का वैल्यू जो है वो यहां से हटा दिया गया है। ओके, तो कनेक्टिविटी के बारे में ये आपको यहां पर याद रखना है। बट अब देखा जाए तो हमारे पास ये एन डी और एन ए जो है वो तो टेम्परेचर के साथ क्या है, कॉन्स्टेंट है, बिकॉज एन और पी भी मैंने आपको बताया टेम्परेचर के साथ क्या है, कॉन्स्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मेजोरिटी चार्ज करिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहता है हमारे पास, मीन्स की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी कम होगी, बिकॉज यहां पर पी और एन के बढ़ने के चांसेस नहीं है, बिकॉज हम टेम्परेचर जो है यहां पर बात कर रहे हैं, कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहां पर, जो हमारे पास कब बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर के बाद, तो आपको याद रखना है यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी जो होगी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की, मींस की एन कनेक्टिविटी ऑफ पी वो हमारे पास डिक्रीज होती है, मींस की इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, मींस कहने का मतलब है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होंगे इनका जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पीटीसी होते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पीटीसी ही आंसर लगाना है आपको, बिकॉज ये जो है ये सब कुछ कहां पर है, ये टी का वैल्यू 300 केल्विन और उससे ज्यादा होगा, ये उस केस में कनेक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो मीन्स की ये पीटीसी हो जाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अभी भी एनटीसी है बट ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पीटीसी हो जाएंगे, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होता है आइंस्टाइन इक्वेशन से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है यहां पर भी, आइंस्टाइन इक्वेशन आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर आइंस्टाइन ने नहीं दी थी बट टू पे रिस्पेक्ट टू द आइंस्टाइन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स द इक्वेशन नेम इज गिवन टू द आइंस्टाइन। ओके, सो आइंस्टाइन इक्वेशन जो है वो हमारे पास बताता है डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन बताता है, डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट
और मोबिलिटी के बीच में रेशियो में जाता है। डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर रेशियो लेंगे वो हमेशा जो है वो इक्वल टू होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ द होल्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ द होल्स, और ये सारे ही किसके इक्वल टू हो गए थर्मल वोल्टेज के, थर्मल वोल्टेज। तो यहां से छोटा सा क्वेश्चन बनता है, यूनिट ऑफ डी बाय मी डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी का अगर रेशियो लेंगे तो उसका यूनिट क्या आएगा, तो ये किसके इक्वल टू है वीटी का यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो इसका भी क्या होगा वोल्ट होगा। यूनिट ऑफ डी बाय म्यू, यूनिट ऑफ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पेपर में ऐसे बन सकते हैं, यूनिट ऑफ म्यू बाय डी, म्यू इज मोबिलिटी, डी इज डिफ्यूजन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा ये, अब अगर म्यू बाय डी लूंगा तो ये 1 में वीटी के इक्वल टू होगा जिसकी ये वोल्ट इनवर्स के इक्वल टू होगा इसका यूनिट। ओके तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, और आपसे यहां पर आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से क्या बन सकता है, आप देखिए यहां पर खुद आइडिया लगाइए, आइडिया क्या है कि आपको एट रूम टेम्परेचर, आपको पता है एट रूम टेम्परेचर, आपको मालूम है रूम टेम्परेचर पे हमारे पास मोबिलिटी का जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकन उसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिलिकन वो होता है हमारे पास 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इन सिलिकन। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होगा, डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या रहेगा तो हमने देखा डिफ्यूजन कांस्टेंट अपॉन मोबिलिटी जो है वो थर्मल वोल्टेज के इक्वल टू है, तो मींस की डिफ्यूजन कांस्टेंट जो होगा वो किसके इक्वल टू होगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू थर्मल वोल्टेज। रूम टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज का वैल्यू होता है 26 मिलीवोल्ट, मींस की 0.026 मींस की यहां पर आप वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओके जो कि 34 के आसपास आएगा, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ओके और डिफ्यूजन कांस्टेंट का यूनिट ऑफ मोबिलिटी आपको बता चुका हूं मैं, यूनिट ऑफ म्यू था मोबिलिटी का, वो था यूनिट ऑफ म्यू मोबिलिटी जो था वो था मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओके बट यूनिट ऑफ डी जो है वो हमारे पास क्या होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके तो यहां से आप निकाल सकते हैं ये सब कुछ चीजें, ये जो है इस इक्वेशन से आ जाएगा हमारे पास, तो ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है यहां पर इस आइंस्टीन इक्वेशन में। ओके नेक्स्ट होता है हमारे पास करंट मैकेनिज्म। ये करंट मैकेनिज्म कहां पर बात करेंगे, सेमी कंडक्टर्स के अंदर करंट मैकेनिज्म्स, करंट मैकेनिज्म इन द सेमी कंडक्टर्स। ओके सो करंट मैकेनिज्म इन द सेमी कंडक्टर्स हम बात करेंगे तो दो तरह का करंट मैकेनिज्म हमारे पास है, वन इज ड्रिफ्ट करंट मैकेनिज्म। ओके ड्रिफ्ट करंट मैकेनिज्म, ओके द सेकेंड वन इज डिफ्यूजन करंट मैकेनिज्म। ओके वन इज द ड्रिफ्ट करंट मैकेनिज्म, सेकंड वन इज डिफ्यूजन करंट मैकेनिज्म। ये ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो वही करंट है जो ओम्स लॉ में आपको पढ़ाया जाता है, ड्रिफ्ट करंट जो है वो हमारे पास ओम्स लॉ की इक्वेशन से ही आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ की जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ भी आपको याद रहना चाहिए। इट इज नॉट वी इक्वल टू आई आर बट इट इज इक्वल टू जे इक्वल टू सिग्मा ई। ओके सो जे करंट डेंसिटी, जे इज अ करंट डेंसिटी है, सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स की यहां पर जो करंट डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मीन्स की अगर कोई करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चल रहा है बन रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा ड्रिफ्ट करंट होगा। सो यहां पर क्या होगा ड्रिफ्ट करंट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि मेटल्स में जब आप नेटवर्क में बढ़ते हो, नेटवर्क में सर्किट थ्योरी में आप जब पढ़ते हो वहां पर
किसकी वजह से होता है करंट? वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज यहाँ पर होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो करंट बाहर से, जब हम कोई वायर को बाहर से बैटरी कनेक्ट कराते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो करता है, तो वो बैटरी के द्वारा ही करंट फ्लो हो रहा है वहां पर, तो वो करंट जो है वो हमारे पर ड्रिफ्ट करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। और जो कि किसके द्वारा आपको बताया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, फर्स्ट फॉर्म होता है ओम्स लॉ का हमारे, ये उससे आपको बताया जाता है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ इनमें से कौन सी होती है। यस मिनट। ओके, तो अब देखिए ड्रिफ्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर ड्रिफ्ट जो है वो मैंने वो क्या बताया, इट इज फ्लो ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होता है। तो मींस कि अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये तो मेटल्स में भी होता है, बट डिफ्यूजन जो होता है वो मेटल्स में नहीं होता है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मेटल्स में जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है उसके लिए फॉर्मूला यही है, जे इक्वल टू सिग्मा ई है। बट यहाँ पर मेटल जो कनेक्टिविटी जो है वो किसके लिए नहीं है, मेटल, मेटल की कनेक्टिविटी जो होती है उसके लिए भी क्या फॉर्मूला होता है, एन क्यू इंटू म्यू एन इंटू ई। मींस की इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई विद द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीप्लाई विद द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू एन इनटू ई सभी को मालूम होगा, हमने पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो सम टाइम आपको पेपर में वो पूछेगा करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट, ये सब कुछ कौन सा है, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इन द मेटल किसके इक्वल होता है, वो होता है एन क्यू इंटू वी डी के। ओके, ड्रिफ्ट करंट इन द मेटल्स। ओके, सिमिलरली अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, तो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में भी करंट ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी भी यही है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। बट यहां पर सिग्मा की जगह पे, सिग्मा एम की जगह पे हम क्या लाएंगे, सिग्मा एस, दैट इज द कनेक्टिविटी ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो यहां पर सिग्मा एस का वैल्यू क्या होगा, एन आई इंटू क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू ई। ये हमारे पास, हमारे पास रहेगा सेमी कंडक्टर्स के लिए। इसी द्वारा आप एन टाइप के लिए लिख सकते हो, पी टाइप के लिए लिख सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि ये आपको प्रॉब्लम है। हम आगे जाते हैं और डिफ्यूजन करंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, डिफ्यूजन करंट, देखिए डिफ्यूजन करंट कैसे फ्लो होता है उसका एक जनरल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, एक जनरल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि डिफ्यूजन करंट फ्लो कैसे होता है। आप अपने रूम में रूम स्प्रे को डाल दो। ओके, तो जब आप रूम स्प्रे का बटन प्रेस करते हो, ओके, तो जब बटन प्रेस किया तो रूम स्प्रे के पार्टिकल जहां पर जाते हैं, यहां पर आपने रूम स्प्रे को प्रेस किया और बाकी रूम में रूम स्प्रे के पार्टिकल जीरो है, तो वो क्या करेंगे, जहां पर आपने बटन प्रेस किया है वहां पर हाई कंसेंट्रेशन है रूम स्प्रे पार्टिकल्स की, तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इस ये मैकेनिज्म जो होता है वो डिफ्यूजन मैकेनिज्म होता है। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास एक डिफ्यूजन मैकेनिज्म है, वो आपको बता दिया जाता है। डिफ्यूजन मैकेनिज्म क्या है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म हमारे पास वो भी सेम है, डिफ्यूजन करंट मैकेनिज्म भी सेम है। ये करंट कब कहां से फ्लो करता है, मान लीजिए कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, किसी सेमीकंडक्टर में एक साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ओके ओके, और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वो क्या करेंगे, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पर ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ऐसा भी होल कंसंट्रेशन के साथ भी हो सकता है, अगर कोई होल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा तो वो होल डिफ्यूजन करंट होगा, वही इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा तो वो हमारे पास डिफ्यूजन करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होता है, जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्लो करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स
with respect to the distance, with respect to the distance in the semiconductor. Okay, तो concentration gradient जो होता है वो उसको हम लिखते हैं dN by dx. This is the concentration gradient of the electrons. इसको हम लेते करते हैं per meter की power 4 से. Okay, dN by dx. Okay, तो ये क्या बताएगा? ये कितना electron का concentration change हो रहा है with x, means distance के साथ, concentration gradient के साथ. Similarly, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का होल का कंसंट्रेशन भी होगा. तो जब करंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जब चार्ज कैरियर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो करंट कौन सा होता है? डिफ्यूजन करंट होता है. और डिफ्यूजन करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रहता है क्यू इंटू डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डी एन मल्टीप्लाई विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, सो मीन्स आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कंसंट्रेशन जो हमारे पास डिफ्यूजन करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? वो किसकी वजह से होता है? dN by dx से, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सिमिलरली जो हमारे पास डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होल्स के लिए होगा वो होगा माइनस क्यू मल्टीप्लाई विद dP into dP by dx. दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द होल्स एंड दिस इज डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट ऑफ द होल्स. ओके, सो माइनस एन क्यों इंडिकेट किया गया यहाँ पर? दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप माइनस एन लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो. ये शो कर रहा है कि जो होल और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो ऑपोजिट में होगा हमेशा. ओके, सो हमारे पास डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के बीच में आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है वो आपको मालूम हो गया होगा. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.